चलो, एक जो मैंने आपको कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए होमवर्क में, मैं एक एक करके वो डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोग देखो आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं मैच कर रहा होगा तो फिर आप अपना मेथड बता देना कि आपने क्या किया था, और उसमें कुछ मैं बता पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। Two particles execute SHM of same amplitude and time period along two close by parallel lines with their respective mean position along the same bisector line. If they cross each other from opposite direction at x equal to a by 2, find the phase difference between them after t by 6 seconds. Okay. सबसे पहले एक कुछ चीजें important चीजें देखो। उसने already कह रखा है उनका same time period है। Same time period होने का मतलब है same angular frequency भी होगा, right? Yes, sir. हो गए नहीं होंगे, राइट? तो अगर सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है ओमेगा वन और ओमेगा टू अगर सेम है तो ओमेगा ओमेगा और टी का जो टाइम डिफरेंस प्रोडक्ट के साथ जो डिफरेंस आएगा, मतलब ओमेगा टी का जो डिफरेंस होगा दोनों के लिए वो तो जीरो होगा ना, हो गए नहीं होगा। जैसे आप जो फेज डिफरेंस निकालोगे, सोचो जो फेज होगा सर, आप क्या लिखोगे? वन टी प्लस फाइव वन एंड माइनस ऑफ ओमेगा टू टी इंटू सॉरी प्लस फाइव टू। आप अगर इसको लिखोगे आप तो इसको कैसे लिखोगे? ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू टी एंड प्लस फाइव वन माइनस ऑफ फाइव टू, यही तो डिफरेंस आप लिखा लोगे। और ये वाला टर्म तो आपका जीरो हो जाएगा, ओमेगा वन और ओमेगा टू तो सेम ही है, राइट? यस सर, है ना? इसका मतलब वो जो फेज डिफरेंस है एट टाइम टी दैट विल बी इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू विच इज द इनिशियल फेज डिफरेंस। समझ आ रही है आप? यस सर। Are you getting it? तो ये initial phase difference है ही, initial phase difference जो होगा वही हर वक्त ही होगा या नहीं होगा? ये time independent है, तो इसलिए ये वाला जो part है after t by 6 seconds, ये क्या है? Misleading है। समझ आ रही है आपको? ये वाली चीज जो है ये irrelevant है। समझ आइए? Yes sir। मतलब सर वो use में नहीं आएगा। बिल्कुल, वो use में नहीं आएगा, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो सिचुएशन है उसको एक बार ड्रॉ करते हैं। क्लोज बाय सेपरेटेड पैरेलल लाइंस है तो ऐसा ही कुछ होगा, और दोनों का मेन पोजीशन सेम बाइसेक्टर लाइन पे है दोनों के लिए, तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन होगा। और a by 2 पे, a by 2 वाला लाइन मार्क किया, सो एक पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो दूसरा पार्टिकल इधर आ रहा होगा, ऐसे कुछ होगा ना? सही सिनेरियो होगा, होगा ना? ऐसे हाँ सर। ओके, सो जो राइट की तरफ जा रहा है उस पार्टिकल का फेजर डायग्राम में जो सिचुएशन होगा वो ये होगा। ये जो सर्कल ड्रॉ करके हम जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं फेज एंगल को दिखाने के लिए, उसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो ये फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सिनेरियो देखो। नाउ ये एंगल देखो आपका फेज फाइव वन है और ये एंगल आपका फेज फाइव टू है। ये डिस्टेंस ए बाई टू है और ये रेडियस ए है, तो इजंट इट ऑब्वियस कि ये वाली एंगल जो होगी ये 60 डिग्री होगी? होगी हाँ सर। तो ऑब्वियसली ये वाली एंगल भी 60 डिग्री है। तो देखो तो जो उसका फेज डिफरेंस है फाइव टू माइनस फाइव वन, ये आपका कितना है? ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री विच इज 120 डिग्री विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई बाई 3, राइट? है ना? हाँ सर। गॉट इट? तो ये पहले पार्ट का आपका आंसर हो गया, पहले पार्ट का आंसर यही है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा है हमसे? Find the separation between them after 2t by 3. Okay. 2t by 3 time के बाद दोनों का individual phase shift कितने का होगा? 240 degree का. T by 3 is 1/3. तो 1/3 मतलब 120 degree. 2t by 3 is 2/3. So 2/3 मतलब 240 degree. Yes sir. Right? So phase shift इसमें जो आएगा phase shift of 240 degrees for both. दोनों के लिए या एक के लिए? दोनों के लिए. दोनों के लिए होगा। तो सपोजली हम इसको लेट अस से दिस इज वन एंड दिस इज टू, तो देखो तो अगर वन वाले को भी 240 डिग्री घुमाना है तो वन वाले का नया लोकेशन कहाँ पे होगा बताओ? तो फेज में
फेजर डायग्राम में दोनों का नया लोकेशन कहां पे होगा? वन वाले का कहां पे होगा? नेगेटिव एक्सट्रीम एंड। यस सर। देखो ये आपका 120, ये चेक करो, ये 120 डिग्री है। तो स्टार्टिंग पोजीशन से वन जिसको मैंने मार्क किया है उसका स्टार्टिंग पोजीशन से अगर 240 डिग्री घुमाओगे तो नेगेटिव एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाओगे, दिख रहा है? Yes, दिख रही है? और जिसको टू पोजीशन मार्क किया है उसको अगर 240 डिग्री आपने घुमाया तो देखो वो वन के पोजीशन पे पहुंच जाएगा। देखो दिख रही है आपको? तो सेकंड वाले की अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखेगा आपको? मतलब जब दोनों का फेस शिफ्ट 240 डिग्री कर दोगे आप तो नया पोजीशन जो दिखेंगे आपको वो कैसे दिखेंगे? देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो ये हो गया पार्टिकल वन का, ये हो गया पार्टिकल टू का, सॉरी पार्टिकल टू इधर जा रहा होगा और ये पार्टिकल वन होगा, और ये आपका 60 डिग्री था तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री है, ठीक है? और ये डिस्टेंस आपको पता है, दिस इज ए बाय टू एंड दिस डिस्टेंस इज ए, तो सेपरेशन कितना हो गया? 3a बाय टू, दिख रही है आपको? यस सर। तो 3a बाय टू इज द आंसर। कोई है जिसका दोनों पार्ट करेक्ट हुआ? ये दोनों पार्ट किसी का करेक्ट हुआ? किसी का नहीं हुआ? फर्स्ट पार्ट तो काफी लोगों का करेक्ट हुआ होगा आई सपोज। ओके ठीक है, चलो ठीक है, सेकंड पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था। चलो अभी सेकंड पार्ट में वो करते हैं। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एन एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच इट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ए। शॉर्टेस्ट टाइम इन विच इट कैन ट्रैवल द डिस्टेंस ए, कहां से स्टार्ट करना ये तो नहीं बोला क्या उसने? बोला कहां से स्टार्ट करना है उसको? नहीं सर। तो स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें ही चूज करना होगा ना, राइट? यस सर। स्टार्टिंग पॉइंट हमें ऐसा चूज करना पड़ेगा सच की टाइम सबसे कम हो, डिस्टेंस ए ट्रैवल करे बट टाइम सबसे कम हो। टाइम सबसे कम लगने का मतलब है फास्टेस्ट ट्रैवल करवाना उसको, है ना? हां सर। डिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया है और आपको टाइम शॉर्टेस्ट चाहिए तो फास्टेस्ट ट्रैवल का रीजन चूज करना पड़ेगा आपको। और आपको SHM में पता है ना पार्टिकल सबसे फास्टेस्ट कहाँ पे ट्रैवल करता है? इन एंड अराउंड मीन पोजीशन। हाँ सर। राइट। तो इसका मतलब आपको जो डिस्टेंस ए है उसको सिमेट्रिकली माइनस ए बाय टू से प्लस ए बाय टू शिफ्ट कर देना चाहिए। सर वॉइस ब्रेक कर रहा है। वॉइस ब्रेक कर रही है अभी भी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक। ओके। तो फास्टेस्ट ट्रैवल का मतलब है कि बेसिकली उसको सिमेट्रिकली ओरिजिन से लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू उसको शिफ्ट करना, यही तो मतलब निकला, है ना? पार्टिकल शुड ट्रैवल फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू टू एक्स इक्वल टू प्लस ए बाई टू, एंड देयरफॉर जो रिक्वायर्ड टाइम है वो कितना होगा आपका? माइनस ए बाई टू से जीरो पहुंचने में टाइम कितना लगता है आपको? टी बाई ट्वेल्व, याद है आपको? यस सर। और फिर टी बाई ट्वेल्व एक बार और, तो टू टी बाई ट्वेल्व मतलब कितना हो गया? टी बाई सिक्स, दैट इज द आंसर। गॉट इट? यस सर। समझ आ गई सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। Two particles execute SHM of same amplitude and period along two by close by parallel lines with their respective mean position along the same bisector line. During SHM, the maximum separation between them is root 3a. Find the phase difference between them. Okay. उसने कह रखा है कि maximum separation उन दोनों के बीच में root 3a है. ठीक है, ये भी पिछले वाले question के concept पे ही है. देखो कैसे है, मैं आपको बताता हूँ. आपको जो given distance है ना, वो distance को आप symmetrically दो half में divide करो. Symmetrically. क्यों कर रहे हैं सिमेट्रिकली वो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। अरे क्या हो रहा है, लाइन ब्रेक हो गई। सो सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, माइनस रूट थ्री ए बाई टू से प्लस रूट थ्री ए बाई टू तक।
ये देखो, एक पार्टिकल को मैं लेफ्ट वाले एंड पे दिखा रहा हूँ, दूसरे वाले को राइट वाले एंड पे, और ये दोनों को मैंने डिस्टेंस को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब एक तरफ से रूट थ्री ए बाई टू एंड दूसरे तरफ से भी रूट थ्री ए बाई टू। एंड सपोजली लेफ्ट वाले पार्टिकल की स्पीड वी वन दिखा रखी है, राइट वाले की वी टू। वी वन वी टू मैग्नीट्यूड में सेम है, बट वी वन वी टू का मैग्नीट्यूड सेम है, बट वी वन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है एंड वी टू डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Can you see? सबको दिख रही है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. और अगर जो पीछे है वो फास्ट हो रहा है और जो आगे है वो स्लो डाउन हो रहा है, तो इसको देख के क्या आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इनके बीच का सेपरेशन अब डिक्रीज कर जाएगा? हाँ सर, हाँ सर। और सेपरेशन, और अगर सेपरेशन डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब यही मैक्सिमम सेपरेशन था या नहीं? रूट थ्री है। हाँ सर। इसका मतलब अभी का ही आपको फेज डिफरेंस निकालने का है, तो अभी अगर फेज डिफरेंस निकालना है, सोचो अब तो आराम से कर सकते हैं। आपको ये देखो, ये है पहले वाले पार्टिकल का फेज और ये देखो ये है दूसरे वाले पार्टिकल का फेज, तो फेज डिफरेंस जो हमें निकालनी है, क्या यही एंगल चाहिए? नहीं देखो, हाँ सर, यही तो आपको निकालने का है। दिस इज द फेज डिफरेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट। ये वाली एंगल देखो 30 है, नीचे से भी 30 है, ये भी 30 है, चेक करो एक बार, क्योंकि a cos 30 is root 3 by 2, right? Yes sir. Right? So therefore phase difference जो आएगा आपका, वो कितना आएगा? 180 में से 60 subtract कर दो, 180 minus 60, which is 120 degree, which can also be written as 2 pi by 6. Yes. Got it? Clear है सभी को? Yes sir. हाँ sir. Sir. हाँ बोलो बेटा. Sir question में कहा था close by parallel lines, तो क्या ऐसे हम ले सकते हैं दूर वाले parallel lines? दूर वाले parallel lines मतलब? दूर वाले कहाँ लिए मैंने? Close by parallel lines इनको, अरे बाबा ये सेम सिनेरियो है, मतलब ये दूसरे जो नीचे दो बार क्लोज बाय पैरेलल लाइंस है उसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो नहीं हो गए, इसी लाइन में हो गए ना? ठीक है सर। कहां, ये तो एकदम ऑलमोस्ट ये एक ही लाइन पे ऑसिलेट करा दिया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? हाँ ठीक है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHL एम्पलीट्यूड a टाइम पीरियड t where t is 16 seconds, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवलड इन t equal to 0 to t equal to 2 seconds, t equal to 2 to t equal to 4 seconds. अगर आप देखोगे तो जो गिवन टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड है, 2 सेकंड मतलब क्यों 2 सेकंड? अगर आप देखोगे तो टोटल टाइम पीरियड का कितना है? t by 8 है ना? हाँ सर। है नहीं है? Yes, sir. इसका मतलब कि दिस इज 1/8 ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, इसका मतलब ये ड्यूरेशन में फेज शिफ्ट कितने का हो सकता है? 45 डिग्रीज का? Yes, sir. In every 2 second, कह सकते हैं सर? जब भी 2 second बीतेगा, जब भी 2 second बीतेगा, तब 45 degrees का phase shift होना चाहिए, correct है? Yes sir. हाँ sir. अच्छा, जब भी आपको starting position देखो, उसने नहीं दे रखा है कि कौन सा particle कहाँ से start कर रहा है, ये नहीं दे रखा उन्होंने। और अगर ऐसा mentioned नहीं है कि कौन कहाँ से start कर रहा है, तो आप हमेशा t equal to zero पे नहीं position से start करवाना, ठीक है? अगर ये mentioned नहीं है कि कहाँ से start कर रहे हैं, तो हमेशा t equal to zero पे आप mean position पे assume करेंगे, ठीक है? इसको ध्यान रखना, when starting position at t equal to zero is not specified, then we assume it to be at mean position, ठीक है? अब इससे आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं।
ये देखो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, चलो सारे 45 डिग्री में डिवाइड कर दिए। और वो क्यों डिवाइड किया, इसका लॉजिक आपको ऑलरेडी बता दिया। t इक्वल टू जीरो पे वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे होगा t इक्वल टू जीरो पे, फिर t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे यहाँ होगा, मतलब यहाँ पहुंच गया, फिर t इक्वल टू 4 सेकंड्स पे यहाँ पहुंच गया। तो देखो तो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड आपको मिल गया क्या, ये डिस्टेंस है a बाई रूट टू, a बाई रूट टू, और ये डिस्टेंस जो है दिस इज a इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाई रूट टू। क्लियर है ना, देखो तो एक बार चेक करो सभी कोई। यस सर। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए, a बाई रूट टू इज टू a इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट टू। देखो तो करेक्ट है, सो दिस बिकम्स 1 बाई रूट टू माइनस 1 विच इज सेम एज रूट टू प्लस 1। देखो चेक करो, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आते हैं। t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 6 सेकंड्स से लेके t इक्वल टू 12 टू t इक्वल टू 14 सेकंड्स, इसका आंसर बताओ। सर ये डेल टी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू टी बाई 8 या और एक बार बता देंगे। कौन पूछ रहे, एक बार क्वेश्चंस नाम बताइए एक बार। सर मैं सौरदीप पूछ रहा हूँ। सौरदीप, टाइम पीरियड कितना है, एसएसएचएम का टाइम पीरियड कितना दिया है? 30। अरे टी कितना है, एसएचएम का टाइम पीरियड कितना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एसएचएम का टाइम पीरियड कितना, 2 डिवाइडेड बाय 16 कितना होता है ये बताओ मुझे। 1 बाय 8 होता है। तो t बाय 8 लिखा तो क्या गलत किया सर, सेकंड पार्ट 2:1 है। हां सर 2:1। हां सर, एक पहले एक किसी का क्वेश्चन का आंसर तो कर दूं बेटा, आप लोग बीजी तो बोलोगे फिर कैसे करेंगे। ओह सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ, 2 सेकंड को अगर टी मतलब 16 से डिवाइड किया 1 बाई 8 आया, तो टी बाई 8 गलत है क्या, कैपिटल टी बाई 8? नहीं सर, ठीक है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या बताया आपने, 1:2। सर 2:1। 2:1 सर। 2:1, 2 से लेके 6 सेकंड तक, 2 से लेके 6 सेकंड में अगर देखें, दिस इज t इक्वल टू 6 सेकंड्स का, एंड फिर 12 से 14, 6 के बाद ये हो गया t इक्वल टू 8, ये हो गया t इक्वल टू 10, दिस इज t इक्वल टू 12, एंड दिस इज t इक्वल टू 14। हाँ ठीक है, 1:2 आएगा, सही कह रहे हैं। सो सेकंड वाले पार्ट का आंसर होगा, दिस विल बी a, sorry, twice of a into 1 minus 1 by root 2, and this divided by a into 1 minus 1 by root 2, which is basically 2 only. ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। Clear है सभी को? Clear है सभी को? हाँ। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एट इक्वल टू 0, इट ट्रैवल्स डिस्टेंसेस ऑफ ए एंड बी इन सेम डायरेक्शन इन 2 सक्सेसिव सेकंड्स, फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। ओके, सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब जब वो कह रहे हैं कि सेम डायरेक्शन, इसका मतलब वो पार्टिकल एक्सट्रीम एंड नहीं पहुंचा ना, है ना? Does not reach extreme end.
क्योंकि एक्सट्रीम एंड क्रॉस करने के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज होगा ही, पक्का है ना, है ही नहीं है? हाँ सर, बट वो सिचुएशन तो पक्का है नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो सिचुएशन होता तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता, जो कि उसने नहीं दे रखा है, उसने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर रखा है कि वो नहीं हो रहा है, दे हैव ऑलरेडी सेड यू दैट। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़े। यहां से स्टार्ट कर रहा है t इक्वल टू जीरो पे, मतलब यहां पे दिस इज t इक्वल टू जीरो, दो सक्सेसिव सेकंड्स, मतलब एक सेकंड में यहां पहुंच गया मान लेते हैं, इक्वल टू वन, तो एंगल शिफ्ट कितना होगा, ओमेगा इनटू वन होगा ना? यस सर, यस सर। फिर नेक्स्ट एक सेकंड बाद फिर से, तो ये t इक्वल टू टू है, तो ये वापस से एक सेकंड, मतलब ओमेगा इनटू वन, यही होगा करेक्ट? हाँ, है यस सर। अगर इनका पोजिशन दिखाया है एसएचएम का, तो एक सेकेंड पे यहाँ और अगले सेकंड पे यहाँ, यही होगा। देखो एक बार चेक करो, ये वाली डिस्टेंस उसने दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज ए, एंड ये वाली डिस्टेंस दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज बी, करेक्ट? यस सर। अब ज्योमेट्री यूज करो, ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, ये एंगल ओमेगा है, ये एंगल टू ओमेगा है, करेक्ट है? हाँ सर। देखो तो ए साइन ओमेगा, इसकी वैल्यू स्मॉल ही दी हुई है, करेक्ट? हाँ सर। और ए साइन टू ओमेगा, इसकी वैल्यू ए प्लस बी दी है, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो इन दोनों को, इन दोनों को डिवाइड कर दो, टू से वन को डिवाइड कर दो, देखो आपको टू कॉस ओमेगा मिल जा रहा है, दिख रहा है, एंड दैट इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, इसका मतलब ओमेगा मिल गया आपको, ओमेगा इज कॉस इनवर्स a plus b divided by 2a, and इस omega को आप लिख सकते हो 2 pi by capital T, और यहाँ से आपको time period मिल जाएगा, मिलेगा ना time period? हाँ sir। ठीक है, अब आपको amplitude चाहिए, तो ये amplitude इस omega की value को आप first equation में substitute कर दो, तो देखो amplitude क्या है, a divided by sin omega, and sin omega को हम लोग लिख सकते हैं root under 1 minus cos square omega, so root under 1 minus of cos square omega, so cos square omega becomes a plus b divided by 2a and इसका whole square, correct है? Yes sir। ठीक है सबके लिए? हाँ sir। चलो next पे move करते हैं। A particle executing SHM has position की value दे रखी है उन्होंने, मैंने graphically दे रखी है, और उसके बाद फिर position as a function of time पूछा गया है। इसमें हमें shifting property of graph use करना होगा थोड़ा। ये मैंने मैथमेटिकल टूल्स में आपको एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। एक बार जस्ट मैं ब्रश अप कर देता हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने लेट से ज्वाइन किया था, और जो लोगों ने शुरू से किया वो लोग भी कितनी याद रखे होंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ग्राफ्स का, जैसा आपको याद हो, कोई भी एक स्टैंडर्ड ग्राफ आप बनाते हो, कोई भी एक स्टैंडर्ड ग्राफ, और इस ग्राफ को आप अगर वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मानते हो, तो इस ग्राफ को शिफ्ट करते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम शिफ्ट करते हैं, सिर्फ शिफ्ट करेंगे, वो ग्राफ का ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेंगे और ग्राफ की शेप एंड साइज को चेंज नहीं करेंगे, जस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग कितनी हुई है, जैसे अगर मान लेते हैं ये शिफ्टिंग हमने एक्स नॉट के लिए रखी है, दिस इज शिफ्टेड बाई एक्स नॉट, तो इस ग्राफ की इक्वेशन हो जाती है एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट, दैट्स इट। तो राइट शिफ्ट अगर होगा एक्स नॉट से, तो बस आपको इक्वेशन में हर जगह x की जगह x माइनस x नॉट लिख लेना है, अगर लेफ्ट शिफ्ट होता तो x प्लस x नॉट हो जाता। आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। ठीक है, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको क्लास 11 में, मैंने मतलब क्लास 11 के एकदम स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था। अब इसका यूसेज यहां पे कैसे है वो बताता हूं। इमेजिन करो x की वैल्यू मेरे को दे रखी है a साइन ओमेगा t, क्या इसके ग्राफ का शेप ऐसा होगा? हाँ सर। t इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, एंड ये आपका प्लस a होगा, और ये आपका नीचे की तरफ आपका माइनस a होगा, ये जो टाइम पीरियड है इसका टी, ये 2 पाई बाय ओमेगा होगा, करेक्ट है? यस सर। ओके,
अगर मैं इस ग्राफ को इसको लेफ्ट कर देता हूं, देखो यहां से यहां लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, ठीक है, एंड आई हैव शिफ्टेड दिस बाय से इसको कलरफुल कर दिया, ठीक है, ये देखो शिफ्टिंग हुई ग्राफ की, ये लेफ्ट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट किया, किधर शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट, एंड से दिस शिफ्ट इज टुवर्ड्स लेफ्ट बाय टी नॉट. तो अब इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, आप इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, ए साइन ओमेगा इनटू टी प्लस टी नॉट, प्लस टी नॉट, समझ आई आपको? यस सर. देखो तो ऐसे ही कुछ सिनेरियो यहां पे, क्या क्वेश्चन में भी यही सिनेरियो है, क्या क्वेश्चन का सिनेरियो यही है या नहीं है? यस सर, ठीक है. सबसे पहले टाइम पीरियड देख लो कितना है, ये वाला इंटरवल कितने का है, देखो तो 8 सेकंड्स का है, 8 सेकंड, राइट? यस सर. इसका टाइम पीरियड आपको पता चल गया कितना होगा, 16 सेकंड्स. ओके, सो ये शिफ्टिंग आपको पता चली कितने की है, 2 सेकंड्स की है. यस सर, कोई नहीं, 2 सेकंड, राइट? इसका मतलब अब इसकी इक्वेशन जो होनी चाहिए थी, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्या होना चाहिए था, एम्पलीट्यूड ऑफ i into sin of ओमेगा, अच्छा ओमेगा कितना है, 2 पाई बाय टी, सो 2 पाई बाय 16 इनटू टी प्लस टी नॉट व्हिच इज 2. देखो आपको समझ आया क्या? हां क्लियर सर. सो दिस बिकम्स 5 sin पाई बाय 8 टी एंड प्लस पाई बाय 4, हो गया आंसर, दैट इज द आंसर, गॉट इट? हां सर. यस सर. यस सर. Yes. Yes, sir. अगर उसने ये भी पूछा होता, supposedly, आपको पूछा होता ये starting value कितनी है, graph में दिया नहीं है, but x not पूछ लिया, starting value बताओ कितना, मतलब एक t equal to 0 पे कहाँ पे start कर रहा है, तो कहाँ पे start कर रहा है ये, t equal to 0 बिठाते हैं तो 5/2 आ जाएगा ना? हाँ सर. नहीं आएगा? हाँ सर. समझ आई सबको? Yes sir. Just t equal to 0 बिठा दो. तो 5 sin pi pi by 4 आ रहा है, मतलब 5 sin 45 degree, तो 5 sin 45 degree मतलब क्या हुआ, 5 by root 2 हो गया, समझ आई आपको? हां सर. हां सर. हां सर. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, इतने तो मैंने दिए थे, कितने कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए थे, कितने लोगों के 5 हो गए? किसी के नहीं, 7 दिया था सर, 7 दिए थे, 7 दिए थे, ठीक है, मुझे गिनती भी नहीं है, ठीक है, मुझे गिनती भी नहीं आता है, चलो मान लिया, चलो 7 में से 5 कितने लोगों के हो गए? मेरा हुआ था. गुड. क्या यही सब मेथड किया है, कुछ और किया था, ज्यादा मेहनत किया? नहीं सर, यही सब, ये शिफ्टिंग वाला था, याद था, यही सब किया सर. ओके, चलो बात, चलो बहुत अच्छी बात है. और 4 कितने लोगों के हुए? नहीं, 3 कितने लोगों के हुए सर? मेरे सर, मेरे 4 हुए थे सर. सर मेरे 3 हुए थे सर, मेरे भी 3. नाम बताइए, नाम बताइए बेटे, एक बार मैं आइडेंटिफाई कर सकूं आपको, आज तो नहीं देख पा रहा हूं, नाम बताइए. श्रीजनी का 3 हुआ, और सर शीलाजीत का, शीलाजीत का कितना हुआ? 4. 4, गुड. और किसका हुआ? 3. और किसी ने बोला था? चौधरी जी ने बोला सर, 3 पूरे हुए थे, और 4 हुए थे, 4 टिकार हुए थे, मेरा भी 3 हुआ था, मेरा 3 हुआ था. ओके, तो आप लोग ऐसे मेरा मेरा बोल रहे हो, समझ आएगा. मेरा मेरा, आप लोग का नाम मेरा मेरा है क्या? अच्छा नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है. अगर हाँ ठीक है बेटा, स्पंदन, स्पंदन का वॉइस मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. अच्छा एनीवेज, सो ठीक है, अच्छी बात है, अगर 3 से ज्यादा हो रहे तो अच्छी बात है, बट अगर 3 से कम हुए हैं तो डेफिनेटली आपको एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि सारे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड थे, तो होना चाहिए था आपके.
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेट्स सी आप कर पा रहे हैं या नहीं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM of time period 8 seconds starting from x equal to 0 at t equal to 0. Find its average speed. Find its average speed in a time interval of t equal to 0 to t equal to 3 seconds. बताओ क्या हुआ? एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज वेलोसिटी नहीं। स्पीड पूछा मतलब क्या चाहिए आपको, डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल। तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल तो आपको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। यहां पे तो रिवर्स कर सकता है ना। तो फिर बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो, तो मेरे रिएक्शन का वेट करते हो क्या? तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में भी बीवी सर रहेगा क्या तुमको रिएक्शन देने के लिए, ऐसे जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो? नहीं सर। हाँ नहीं सर। तो फिर कॉशियस क्यों नहीं रहते हो खुद से? तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको फेस चेंज चेक करना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है नहीं हो रही है। वो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप फेजर डायग्राम में चेक करो कि कहां से कहां मूव कर जाएगा वो। टाइम पीरियड 8 सेकंड्स का है, t इक्वल टू 8 सेकंड्स है, तो 1 सेकंड में कितने का फेज शिफ्ट होगा? 1 सेकंड हैज 45 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। यस सर, करेक्ट। सौरदीप समझ आ रही तुम्हें? हां सर। So, अभी इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे तो 3 सेकंड्स का मतलब है 3 बार 45 डिग्री का फेज शिफ्ट, ये तो मतलब निकला ना। 3 बार अगर 45 डिग्री का फेज शिफ्ट करेंगे हम तो ये देखो, ये हो गया आपका 135 डिग्री, करेक्ट है ना? हाँ सर। यहाँ t इक्वल टू 0 पे और यहाँ पे पहुंच गया t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे, तो फाइनल पोजीशन जो है उसका वो ये होगा, इधर जा रहा होगा, करेक्ट है ना? मतलब उसने स्टार्ट किया होगा यहाँ से कहीं, यहाँ से कहीं उसने स्टार्ट किया है और यहाँ से, सॉरी, यहाँ से वो एक एक्सट्रीम एंड पे गया है, उसके बाद फिर घूम के वापस इधर आया, ये है ना? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते है तो ए बाय रूट टू ही तो मिलता, मिलता या नहीं? बट क्या हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड ए बाय रूट टू है? नहीं सर। ये डिस्टेंस कितना है? What is this distance? A minus A by root 2. A minus A by root 2. So therefore distance traveled कितना हो गया? A plus A 1 minus 1 by root 2. And time taken कितना होगा? Time taken कितना है? 3 seconds ही तो है ना? हाँ सर। है ना? तो 3 seconds इसको divide कर देंगे। अच्छा amplitude नहीं दिया था ना मैंने? ओहो। ये लिख लीजिएगा, गिवन एम्पलीट्यूड आपका 5 सेंटीमीटर, सो इसको लिख सकते हैं हम, दिस विल बी 5 इनटू 2 रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 रूट 2
सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्लियर है ना? हाँ सर. सबको क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. चलो सिमिलर कंसेप्ट पे बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए. अच्छा एक अच्छा सा चीज सिनेरियो देखो. अच्छा स्पेशल केस का एक एक और क्वेश्चन. एक मिनट को एक और क्वेश्चन याद है. अ पार्टिकल एक्सिक्यूट्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए टाइम पीरियड टी एंड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड ऑफ ऑसिलेशन एट t equal to 0. Its position is being measured with respect to the negative extreme end. Extreme end. Find position as a function of time. क्वेश्चन को थोड़ा इंटरप्रेट करने की कोशिश सीखो. नॉर्मली जो होता है वो कैसा होता है? नॉर्मली ये होता है कि आप x इक्वल टू जीरो कहाँ पे लेते हैं? मीन पोजीशन पे. उसके बाद x इक्वल टू प्लस a इधर और x इक्वल टू माइनस a इधर, ये लिखते हैं. और अगर स्टार्ट यहां से कर रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड से, तो इसके लिए अगर पोजिशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम लिखना हो तो श्योर लिख सकते हैं a cos ऑफ ओमेगा t. लिखते हैं ना? हाँ सर. क्योंकि पाई बाय 2 का फेज तो a cos omega t होगा. But this is when, when the observer is standing where, यहाँ पे, right? इसके respect में position है ना? हाँ सर. But क्या ये question दिया है मैं या different question है? हमारा question क्या है? हमारी question में observer कहाँ है? x equal to minus a. नहीं, आप वो x equal to minus a नहीं बोल सकते, क्योंकि वही x है. x equal to minus a नहीं है, ये x equal to zero है, क्योंकि वहीं पे तो location observer का है ना? हाँ सर. जहाँ observer खड़ा होता है, वो origin होता है? या फिर मतलब ओरिजिन तो उसी के रेस्पेक्ट में डिसाइड हो रहा है ना? यस सर. यस. क्योंकि देखो नेगेटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम बोला है, उसको एक्स थोड़ी ना बोला इसने, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो होगा वो. और उसके बाद फिर मीन पोजीशन आपका एक्स इक्वल टू ए पे हो जाएगा ना? एक्स इक्वल टू ए पे आपका मीन पोजीशन होगा. और दूसरा एक्सट्रीम एंड जो है मतलब वो आपका एक्स इक्वल टू टू ए पे हो जाएगा. समझ आ रही है? हाँ सर. और देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है टी इक्वल टू जीरो पे, तो दी ओनली डिफरेंस इज ये देखो, ये एक्स्ट्रा ए ऐड हो गया ना, दिख रही है आपको? ये एक्स्ट्रा ए ऐड हो गया. हाँ सर. तो अब इसके रिस्पेक्ट में अगर एक्स की वैल्यू है तो फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे, क्या लिखोगे? ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी. हो गया आंसर? गॉट इट? यस सर. सर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड, सो वोंट इट बी एक्स इक्वल्स टू प्लस ए? ठीक है, फिर से बोलिए. तो x इक्वल टू a लिखने का मतलब ही तो प्लस a हुआ ना? कौन से बात कर रहे हैं? Like it is given from positive extreme end, so like won't the observer be standing on x equals to plus a? Like it won't be in the negative direction. Observer SHM कर रहा है क्या? SHM कौन कर रहा है? SHM कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर या पार्टिकल? पार्टिकल. तो हम ऑब्जर्वर को क्यों खड़ा करेंगे? ऑब्जर्वर तो नेगेटिव एक्सट्रीम एंड पे है. इट्स पोजीशन इज बीइंग मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव. ओके सॉरी सर. सॉरी सर, आई डिडंट, आई जस्ट ओवरलुक दैट पार्ट. सॉरी सर. इसमें अगर आप देखोगे तो कोसाइन का वैल्यू कहां से कहां के बीच में वेरी करता है? -1 से +1 के बीच में है ही नहीं है. हां सर. तो पोजीशन की वैल्यू की बात करें तो कहां से कहां के बीच में वेरी करेगा? a माइनस a मतलब 0 और a प्लस a मतलब 2a. तो 0 से 2a के बीच में, व्हिच इज कंप्लीटली सैटिस्फाइंग द डायग्राम है नहीं है? हां सर. आई होप आपको समझ आ रही है. हां सर. हां सर. ओके
अगर आप देखोगे तो ये वो वाला केस है जिसमें हम कहते हैं कि पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, वो आपका प्रोपोर्शन मतलब जो रीस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन की बात करते हैं, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन. तो यहाँ पे x जो हम कह रहे हैं, ये x क्या है, दिस इज पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन. बट अगर हम x माइनस a लिखे तो ये आपका a cos ऑफ ओमेगा t आएगा, एंड दिस x माइनस a ये क्या है, डिस्प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, है ही नहीं है? हाँ सर ना. तो इस केस में जब हम अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन को मुझे प्रोपोर्शनल टू x प्रूफ करना होगा या एक्सेलरेशन को प्रोपोर्शनल टू x माइनस a प्रूफ करना पड़ेगा? x माइनस a प्रूफ. आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर ठीक है. तो इस तरह के केसेस में आपको अगर SHM प्रूफ करना होगा तो एक्सेलरेशन को प्रोपोर्शनल टू x माइनस a प्रूफ करना पड़ेगा, ना कि आपको x एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x. ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी ये बात. हाँ सर. ये सब ऑलरेडी डिस्कशंस हो. ठीक है. एक डिस्कशन में स्पेशल डिस्कशन के नाम से कर रहा हूँ. स्पेशल क्यों कह रहा हूँ ये आपको बताता हूँ अभी तुरंत ही, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में इसका गलत भी डिस्कशन कर रखा है, इसलिए इसको स्पेशल कह रहा हूँ. क्यों गलत होता है ये भी बताऊंगा और क्या सही है वो भी बताऊंगा आपको. ठीक है, आप चेक करो एक बार. सपोजली आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा दे रखा है, ए कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी, ऐसा फंक्शन दे रखा है. कोसाइन ओमेगा टी नहीं है, देखो कोसाइन का स्क्वेयर है. ठीक है, इस फंक्शन के बारे में पूछते हैं कि बताओ ये फंक्शन SHM है या नहीं है. That is what they ask us, कि फंक्शन SHM है या नहीं है. अगर कोई भी फंक्शन को SHM कहने की बात करते हैं, आपको याद है मैंने सिंपल हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बात किया था कि कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसी के नेगेटिव के साथ प्रोपोर्शन आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है. आपको याद है ये बात? Yes, sir. हाँ, sir. तो एक बार चेक करके देखते हैं कि इसका ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या इसी के नेगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल आता है या नहीं आता. ठीक है, तो एक बार चेक कर रहे हैं, dx by dt निकालें, तो होगा a into 2 cos of omega t and फिर cos omega t का डिफरेंशिएशन which will be minus of sin omega t which can in short be written as 2 into sin of 2 omega t with a negative sign. करेक्ट है, चेक करो एक बार. a भी होगा, सॉरी a नहीं, टू कहाँ से आएगा, ये टू तो नहीं आएगा, ये टू नहीं आएगा. ठीक है, अभी चेक करो एक बार, सही है ना, एक बार चेक करो. हाँ सर. ओमेगा भी बाहर आ गया ना? नहीं 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 नहीं, एक ओमेगा भी आएगा ना, क्योंकि जब हम कॉस को डिफरेंशिएट किए तो साइन माइनस साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा भी तो आएगा ना. हाँ सर, चेन रूल, चेन रूल ना, साइन चेन रूल लगेगा. अभी ये dx by dt हो गया, अभी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं, d2x by dt2 ले रहे हैं. तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ऑफ ओमेगा a और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos ऑफ 2 ओमेगा t एंड इसके साथ एक बार और डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा यहाँ पे 2 ओमेगा आएगा आएगा. देखो यार, ये माइनस ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर a इनटू cos ऑफ 2 ओमेगा t दिख रही है आपको? Yes, sir. क्या d2x by dt2 negative of x है? नहीं सर. d2x by dt2 ये proportional to negative of x, ये तो नहीं है, है ना? ये नहीं आ रहा है? हाँ सर. है ना? Therefore, x as a function of time जो भी दिया हुआ था equal to a cos square omega t is not simple harmonic function. बात समझ आई आपको? ठीक है, बट अगर ये मोशन की बात करें, जैसे बोल रहे कि ये x जो है ये पोजिशन ऑफ पार्टिकल को इंडिकेट कर रहा है, बताओ पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है?
तो अब मैं बोलूंगा कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है. अब इसका रीजन क्या है, अब उसके बारे में बात करते हैं. देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर SHM है तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन होना चाहिए. एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये कभी बोला है क्या मैंने? नहीं सर. नहीं, तो मीन पोजिशन कहाँ है ये नहीं सोचना पड़ेगा आपको. सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? चाहिए सर. तुम x इक्वल टू a cos square omega t जो फंक्शन है, इस इक्वेशन से बताओ मुझे कि cos square का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 0 से 1? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. तो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? 0 से लेके a तक होगी. यस सर. इसका मतलब मीन पोजीशन कहाँ होगा? a by 2. यस सर. यस सर. राइट, मीन पोजीशन a by 2 पे हुआ. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन क्या होगा? बताओ. माइनस a by 2. x माइनस a by 2. समझ आ रही है आपको? यस सर. तो अगर आपको प्रूव करना है SHM, तो आपको क्या प्रूव करना चाहिए? कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस a by 2 होना चाहिए. यस सर. अब एक बार वो ट्राई करके देखते हैं कि वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. लेट्स ट्राई दैट नाउ. ये चेक करो, इस इक्वेशन से फर्दर प्रोसीड करते हैं. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए इंटू टू कोसाइन ऑफ टू ओमेगा टी. ऐसा तो लिख सकते हैं. हाँ सर. अब कोसाइन का फॉर्मूला यूज करो, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला. कॉस टू थीटा का फॉर्मूला में क्या लिखोगे आप बताओ मुझे? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. अच्छा एक मिनट, जैसे यहाँ पे ठीक. So this becomes minus of omega square a into 2 into this is 2 cos square omega t minus of 1 हो जाएगा. अच्छा इसको इस 2 को इधर ही रहने देते हैं, इससे भी कहेंगे इस 2 को इधर बाहर निकालने कोई मतलब ही नहीं था, देखा टाइम इसके. So this can now be written as माइनस ऑफ. अच्छा एक मिनट, माइनस ऑफ टू ओमेगा स्क्वायर ए इंटू टू एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस इज एक्स बाई ए. सो एक्स बाई ए लिखा एंड माइनस ऑफ वन किया. इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ टू इंटू ओमेगा स्क्वायर और ये ए को अंदर कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास. अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, एक्स माइनस ए बाई टू और यहां से आपका हो जाना है ए बाई टू को बाहर कर लिया हमने तो यहाँ पे ए था और इंटू टू बाई ए बाहर आ जाएगा. करेक्ट है ना? हाँ सर. ठीक है ना? अभी देखो. हाँ अभी ठीक. तो देखो अभी क्या आ रहा है. देखो सो दिस इज माइनस ऑफ टू ओमेगा का स्क्वायर इनटू एक्स माइनस ऑफ ए बाय टू. देखो क्या हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस ए बाय टू. हाँ सर. Acceleration proportional to negative of a by negative of x minus a by 2. Therefore, SHM हुआ या नहीं हुआ? हुआ. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से अगर देखोगे तो 2 omega यहाँ पे क्या indicate कर रहा है? 2 omega is the angle of frequency. है ना? Yes sir. समझ आई सभी को? हाँ sir. इसका मतलब ये जो x equal to a cos square omega t है,
अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन SHM सिंपल हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, बट अगर ये फंक्शन किसी पार्टिकल के पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है तो वो पोजीशन सिंपल हार्मोनिकली जरूर वेरी कर रहा है. बस द डिफरेंस इज दैट द मीन पोजीशन इज नॉट लोकेटेड एट ओरिजिन, द मीन पोजीशन इज शिफ्टेड एट x इक्वल टू a बाय 2. हाँ सर ठीक है. आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है. जैसे ये सोच के देखो, ये इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत किया मैंने. जैसे x इक्वल x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है a cos स्क्वायर ओमेगा 2 दिया हुआ था, ठीक है. इसी को क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. तो a बाय 2 लिखा और इसको 2 cos स्क्वायर ओमेगा t लिख लिया. अब यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला लगा लेंगे. तो a बाय 2 इनटू इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 2 ओमेगा t n प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, है ना. हाँ सर. तो देयरफॉर देखो इक्वेशन क्या आ रही है, x माइनस a बाय 2 इज इक्वल टू a बाय 2 इनटू sin ऑफ 2 ओमेगा t प्लस pi बाय 2. क्या आपको दिख रहा है ये? यस सर. हेलो सर. हेलो सर. हेलो सर. यहां तक आपने देखा था ना शायद, देखा था यहां तक? हाँ सर. ठीक है. अब देखो ये SHM वाला इक्वेशन से मैच कर रहा है. नहीं देखो, साइनसोइडल फंक्शन ऑफ टाइम अगर ये साइनसोइडल फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, इसका मतलब पक्का है SHM है नहीं है. बस पावर में 2 नहीं होना चाहिए, मतलब पावर में साइन हो या कोसाइन हो, पावर में अगर 1 है तो समझ लो कि वो क्या है, वो डेफिनेटली SHM है. समझ आ रही है? सर. सर हाँ बोलो. सर आपने अभी जो कहा वो एक बार रिपीट कर देंगे, मीटिंग तो एंड हो गया था. नहीं वो मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक, अभी तक कुछ एक्स्ट्रा बोला ही नहीं मैंने, कुछ नहीं बोला है अभी तक तो स्टार्ट ही किया. ये मीन पोजीशन है, ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, और x माइनस a बाई 2 तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन है ना, बताया तो. हाँ सर. दिस इज डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, और ये वाला टर्म जो है a बाई 2, ये आपका एम्पलीट्यूड. और ये जो 2 ओमेगा वाला टर्म है एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये पाई बाई 2 जो है वो आपका इनिशियल फेज है. अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि a cos स्क्वायर ओमेगा t कहने का मतलब t इक्वल टू 0 अगर बिठाया आपने, तो t इक्वल टू 0 बिठाने से वो देखो पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड पे दिख रहा है आपको, क्योंकि x की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है ना. अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो इनिशियल फेज कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, नहीं होता? नहीं होता. सो देयरफॉर द फंक्शन function x equal to a cos square omega t or sin square bhi aap aise keh sakte hain, so x equal to a sin square omega t are not simple harmonic function, simple harmonic functions, but they represent the motion of a particle which is simple harmonic with
mean position shifted at x equal to a by 2. Shifted at x equal to a by 2. ठीक है सभी को क्लियर हो गया है? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल होने वाली बात, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे स्क्वायर ओमेगा टी में टी का कोएफिशिएंट ओमेगा है, बट जब इसको पावर वन में कन्वर्ट किया तो ओमेगा की जगह टू ओमेगा आ गया, यही तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ सर। अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा एनालिटिकली आपको समझाता हूँ, देखो ये काफी इंटरेस्टिंग सा चीज, देखो ये चेक करो, यहाँ पे सपोजली मैं कॉस ऑफ ओमेगा टी को प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, कॉस ओमेगा टी को टाइम के अगेंस्ट, इसका ग्राफ तो आपको पता ही है, ऑल्टरनेट करके क्रेस्ट एंड ट्रफ आएगा, ये है ना ग्राफ, ठीक ड्रॉ किया मैंने? हाँ सर। ठीक है, इसका जो पीरियड होगा वो ये पीरियड है टी, एंड हियर टी इज 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, अब इसके पैरेलली मैं क्या कैसे इसके यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अब एक फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर किया तो जहां पे ट्रफ है क्या वो ट्रफ अब रहेगा? नहीं सर। क्या हो जाएगा? सर ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, तो उस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो क्या आपको बात समझ आई? यस सर। समझ आई आप देखो तो क्या cos square फंक्शन का पीरियड हाफ हो चुका है? ये देखो इसका t डैश लिख रहे हैं, क्या ये t डैश t by 2 है यानी? हाँ सर। है ही नहीं, दिख रही है आपको? हाँ सर। तो पीरियड हाफ हो गया है तो क्या फ्रीक्वेंसी डबल नहीं हो गया? यस सर। तो cos ऑफ ओमेगा t की पीरियड अगर हम निकालते हैं, पीरियड तो ये आती है 2 पाई बाय ओमेगा, बट अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की पीरियड है तो ये पीरियड होगी 2 पाई बाय 2 ओमेगा, समझ आइए? तो फ्रीक्वेंसी डबल इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि जो ट्रफ वाला पार्ट है वो क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और क्रेस्ट में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब क्या हो गया, वो पीरियड हाफ हो चुकी है, पीरियड हाफ होने का मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाना, समझ आ गई सभी को एनालिटिकली? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है तो इसको याद रखना, ठीक है, cos function का period 2 pi by omega, cos square का 2 pi by 2 omega, next time से मैं इतना समझाऊंगा नहीं, मैं expect करूंगा कि आपको याद है, ठीक है? ओके सर। सेम लॉजिक से sin square का भी पीरियड कितना होना चाहिए, sin square omega t का 2 pi by 2 omega। हाँ सर। ठीक है चलो, ठीक है ये तो आपने देख लिया। अब आगे एनर्जी देने सिस्टम की बात करते हैं, देखो एक चीज श्योर है कि जब हम कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात करते हैं, ऐसा ऑसिलेशन जिसमें डैम्पिंग नहीं हो रहा है, मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो उस सारे ऑसिलेशन में डेफिनेट है कि किसी ना किसी तरह का एक पोटेंशियल एनर्जी तो डेफिनेटली इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे बता सकते हैं? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से क्रॉस करवाते हैं तब उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, फिर ये एक्सट्रीम एंड के पहुंचता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, फिर वापस से जब एक्सट्रीम एंड से वापस से मीन पोजीशन की तरफ आता है तो वापस से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, इसका मतलब डेफिनेटली ये काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ था एक्सट्रीम एंड जाते वक्त वो परमानेंट लॉस नहीं था, एक टेम्पररीली कहीं पे स्टोर हो रहा था, वो स्टोर्ड फॉर्म वापस से उसमें वापस से उसको काइनेटिक एनर्जी बाद में दे दे रहा था, ये तो मतलब निकलता है, है या नहीं है? सर है,
ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेट है कि हर एक ऑसिलेशन में कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट करवा रहा है। तो अब ये जैसे जैसे कि स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्ट करके अगर आप उसको ऑसिलेट कराते हो तो स्प्रिंग पोटेंशियल ये आएगा। आप अगर एक मास को पेंडुलम बॉब से अगर लटका के झुला के रख देते हैं और उसके बाद फिर उसको ऑसिलेट करा के छोड़ते हैं तो उसके इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी इन्वॉल्व होगा। तो हर जगह किसी ना किसी तरह का एक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेट एक आपस में इंटर कन्वर्जन तो चल रहा होगा। क्या आपको बात समझ आई है? यस सर। अब जैसे हम लिखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे भी के एक्स का फॉर्म का ही होता है। आपको पता है अगर एक्स नॉट की वैल्यू मतलब मीन पोजीशन अगर जीरो पे लोकेटेड है तो अगर हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो स्प्रिंग से कंपेयर करो, स्प्रिंग में फोर्स को के एक्स की तरह लिखते हैं और उसका पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है नहीं है क्योंकि फोर्स के एक्स का ही आएगा। बस के डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए, के की वैल्यू डिफरेंट होगी बट फोर्स का अगर सिंस वैल्यू के एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो हाफ के एक्स स्क्वायर का ही फॉर्म आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे? सो देखो, अब देखो कुछ चीजें जो हमें ऑलरेडी पता है, एक बार मैं वो पहले लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोजीशन और वेलोसिटी की वैल्यू जो हमने चूज की थी उसको एक बार पहले लिख लेते हैं। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो हमने चूज किया था, हमने ऐसा कुछ चूज किया था ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी एंड दैट वॉज ओमेगा ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव चूज किया था। इसी को जब हमने एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकाला था, वी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो इसको लिखा था ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। याद है आपको? याद है? हाँ सर। तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी कोई हमसे पूछे, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर में आपको पहला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, तो क्या लिखेंगे? हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। दिख रही है आपको? दिख रही है? यस सर। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ गया, दिख रहा है कॉस स्क्वायर। अभी थोड़ा सा तुरंत ही हमने ये डिस्कशन किया था कि कॉस स्क्वायर फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, बट कॉस स्क्वायर फंक्शन में अगर हम मतलब अगर हम शिफ्टिंग की कंसिडरेशन में लेके चले कि ए बाई टू से शिफ्टेड है, तो वो शिफ्टिंग की अगर हम बात करें, जैसे काइनेटिक एनर्जी अगर कोई बोले कहां से कहां खींचे वेरी कर रहा है, तो ये वाला देखो, ये जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि ठीक है, तो दिस इज के मैक्स। तो अगर ये के मैक्स है, इफ दिस इज के मैक्स, तो सोचो कि काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां के बीच में वेरी कर रहा है, जीरो से के मैक्स के बीच में, है ना? हां सर। तो काइनेटिक एनर्जी का भी ऑसिलेशन हो रहा है जीरो से लेके के मैक्स के बीच में, तो मीन पोजीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? के मैक्स बाय टू। यस सर। इसका मतलब के मैक्स भी अगर शिफ्टेड अगर देखें तो वो यू नो के मैक्स बाय टू से शिफ्टेड है। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी ऑसिलेट कर रहा है बट विद अ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। एसएचएम का फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, बट जो काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी वो कितना है? टू ओमेगा है। बात समझ आई आपको? हाँ सर। हाँ सर। कॉस स्क्वायर फंक्शन मतलब ट्वाइस ऑफ ओमेगा, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स विद ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, ये ध्यान रखिएगा। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि जब हम ओमेगा लिखते थे तो ये रूट अंडर के बाई एम लिखते थे, याद है आपको, है ना? हाँ सर। तो इससे क्या हम ये लिख सकते हैं कि एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ये के है, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं? हाँ सर। तो इसका मतलब है ये जो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू जो लिख रहे हैं, के मैक्स जो लिख रहे हैं, तो के मैक्स को हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या फिर इसको डायरेक्टली हाफ के इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते थे ना, राइट? ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालनी हो, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो वो क्या लिखेंगे आप? हाफ एम वी स्क्वायर, और वी को पोजीशन वाला फंक्शन में लिखना है, सो हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रही है। सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं? हाँ सर। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पैराबोलिक वेरिएशन है पोजीशन के साथ, दिख रहा है? क्लियर है?
Yes, sir. अब आते हैं पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है? सिंस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑफ द नेचर एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू के एक्स, देयरफॉर अ पोटेंशियल एनर्जी विल बी एसोसिएटेड with position x as potential energy is equal to half k x square. ये तो सबको समझ आ गई है ना ये बात, बस स्प्रिंग से कंपेयर करके डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना? Yes sir. ये भी देखो पैराबोलिक वेरिएशन है, parabolic variation with position. और अगर x की maximum value डाल दें तो p max भी मिल जाएगा ना, potential की maximum value भी मिल जाएगी, मिलेगी? Yes sir. Yes sir. अगर आप देखोगे तो potential का maximum value और kinetic energy का maximum value ये match कर रहा है, दिख रहा है? हाँ sir. और वो होना भी चाहिए क्योंकि mean position से जब वो cross करता है तो kinetic energy maximum होता है, और एक इसका मतलब पोटेंशियल वहां पे मिनिमम होती है, एक्स का वैल्यू जीरो डाल दो तो पोटेंशियल जीरो मिलेगी, और एक्सट्रीम एंड पे जब वो पहुंचेगा तो एक्सट्रीम एंड का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, तो कितना हो गया, हाफ के स्क्वायर हो जाएगा. समझ आई आपको? यस सर. हां सर. ओके, पोटेंशियल जी अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी हो, नाउ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो क्या लिखोगे? हाफ के, और एक्स की वैल्यू लिखोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. अगेन देखो साइन स्क्वायर आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी किस फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहा है, 2 ओमेगा से, है ना? ओमेगा. सो देयरफॉर एज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर स्क्वायर ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शंस with frequency omega, we conclude that kinetic energy and potential energy oscillate with twice the frequency of SHM of particle. आपको? हाँ सर. यस सर. ये सब कुछ डिराइव करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब अननेसेसरी का डेरिवेशन है, ठीक है? ये एकदम बिल्कुल एनालिटिकल है. एनालिटिकल किसी को भी आप समझाओगे तुरंत समझ जाएगा. मैंने वो जो बताया वो ध्यान रखना, स्क्वायर करते हैं मतलब जो ट्रफ वाला पार्ट है वो क्रश बन जाएगा, तो हाफ हाफ इंटरवल में ही रिपीट करना शुरू करेगा, तो पीरियड हाफ हो गई मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई. ये सबसे आसान तरीका है, मैथमेटिक्स में कुछ जाने की जरूरत नहीं है. सो यहां से तुमने वेरिएशन की बात कर ली है. अब अगर हम इसको ग्राफिकली अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, ग्राफिकल वेरिएशन देखें एक बार, यहां पे एनर्जी लिख रहे हैं. अच्छा एक मिनट, टोटल एनर्जी की बात ही नहीं की मैंने. अच्छा यहाँ पे कर देते हैं. अगर टोटल एनर्जी इन एसएचएम करें, टोटल एनर्जी इन एसएचएम, तो टोटल एनर्जी निकालोगे तो क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और अगर दोनों को आप ऐड करते हो तो कोई भी फंक्शन में ऐड करो, चाहे वो टाइम का फंक्शन हो चाहे वो पोजिशन का फंक्शन हो, आप देखो सेम आएगा. चेक करो तो दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक करो और बताओ. अगर टाइम वाले फंक्शन को देखोगे तो cos square omega t plus 5 sin square omega t plus 5 आ रहा है, और वो तो 1 हो जाएगा, मतलब half k x square ही आया. अगर आप
पोजीशन के फंक्शन में देखोगे तो एक में है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर और दूसरे में है प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और उन दोनों को ऐड किया तो हाफ के ए स्क्वायर बचेगा। दिख रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है ना, ऑब्वियसली काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपका हाफ के ए स्क्वायर है और ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ये टर्म चेंज नहीं कर रही है ना। तो टोटल एनर्जी इज अ कांस्टेंट टर्म, और कोई चीज अगर कांस्टेंट है और उसका पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना है तो क्या बोलेंगे आप? जीरो है नहीं? जीरो। सिंस टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन ये कितनी होगी आपकी? जीरो होगी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जीरो है तो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टोटल एनर्जी इज इनफिनिट। क्लियर है? ये पूछते हैं आपसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, तो उसकी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपकी इनफाइनाइट है। ओके, अब हम यहाँ पे एनर्जी को प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट पोजिशन। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव ए, पॉजिटिव ए। सर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो? हाँ हाँ ये पोटेंशियल है, सॉरी ये पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी इन्वर्टेड होगा क्योंकि उसमें माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर था तो इन्वर्टेड होगा। ये है काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी की अगर बात करें ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी, ये देखो कांस्टेंट वैल्यू। दिख रही है आपको? ये है टोटल एनर्जी, ये है आपकी पर्पल वाली जो लाइन है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड जो रेड वाली लाइन है इन्वर्टेड पैराबोला ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे तो दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बाय रूट टू पे, ए बाय रूट टू पे, ए बाय रूट टू कैलकुलेशन से कैसे? एक एनालिटिकल तरीका है जो झटपट से हो जाएगा वो ये है कि जैसे अगर आप देखोगे तो पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी में अगर साइन स्क्वायर फंक्शन है तो काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर फंक्शन है, और दोनों का वैल्यू मैच कहाँ पे करेगा? जहाँ पे 45 डिग्री आएगा है ना, 45 डिग्री का मल्टीपल होगा। हाँ, 45 डिग्री का बेस ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो समझ में आ गया? तो इससे आपको एक चीज तो क्लियरली पता चल रही है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर आइडेंटिकल एट मीन पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये पहली चीज जो कि ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी मीन पोजिशन क्यों बोला है, मेरे को नींद आ गई, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है ना? ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। एक चीज और नोटिस करो, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो ये के ई मैक्स से भी मैच करता है और पी ई मैक्स से भी मैच करता है, जो कि आपका हाफ के ए स्क्वायर भी कह सकते हैं और इसी को आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी कह सकते हो। ठीक है ना? ठीक है ना? यस सर। आपको अगर एक चीज याद हो आप सभी को, मैंने यूज किया
तो ये चीज हमने हमेशा देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है. द ओनली सिग्निफिकेंस इज ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल. याद है आपको? ग्रेविटेशन में हम लोग पोटेंशियल जी इन्फिनिटी पे जीरो चूज करते थे अपने कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए. बट ऐसा कोई रूल है क्या कि मीन पोजीशन हमेशा मतलब जीरो वैल्यू जो है पोटेंशियल जी का वो इन्फिनिटी पे चूज करना है? रूल है क्या? राइट. बट एक चीज है कि आप जो भी इन्फिनिटी पे चूज करते थे उसके रिस्पेक्ट में आप बाकी हर जगह पे चेंज हो जाता था, है ना? हाँ सर. और जीरो कन्वीनियंट है याद करना, उसके लिए वो जीरो पकड़ते थे. हाँ, जीरो से बेसिकली कैलकुलेशन आसान होता है, इसलिए बेसिकली हम उसको जीरो चूज कर लेते हैं. अदरवाइज कोई रीजन नहीं है हमारे पास चूज करने के लिए. तो सेम तरीके से वैसे ही स्प्रिंग में भी हमने, अगर याद करो हमने किया था, तो हम लोग मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो चूज कर लेते थे. बट ये मैंडेटरी नहीं था. यू की वैल्यू हमने लिखा था यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और वो यू नॉट की वैल्यू जो है वो हमने जीरो चूज किया था अपने कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए. अदरवाइज हमेशा चेंज ऑफ पोटेंशियल जी ही इंपॉर्टेंट है. चेंज ऑफ पोटेंशियल जी निकालोगे तो आपका यू नॉट वाला जो भी टर्म है वो तो हर बार कटेगा, है ना? चेंज निकालते वक्त आपको ध्यान है क्या? आपको ध्यान है ये चीज? हाँ सर. ठीक है. तो सेम तरीके से यहां पे भी है, सिंस ये पोटेंशियल जी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं होगा यहाँ पे. देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भैया. हाँ, सिग्निफिकेंस होगा तो चेंज का होगा, कि चेंज आपका कोई मैटर नहीं करेगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच में जब निकालोगे. बट अगर सोच के देखो, किसी ने पोटेंशियल एनर्जी इनफिनिटी पे जीरो, आई मीन मीन पोजीशन पे जीरो चूज नहीं किया है, मतलब हाफ के एक्सिस का फॉर्म है, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जी को जीरो हो सकता है कोई चूज ना किया हो. मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जी किसने यू नॉट ले रखा है. तो अब पोटेंशियल जी आपको मीन पोजीशन पे अगर यू नॉट लिखा है तो एक्स पोजीशन पे क्या लिखोगे आप? यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे? लिखोगे नहीं? यस सर. और अगर आपने वो लिखा तो क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू से मैच करेगा? नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का तो अभी भी हाफ के ए स्क्वायर ही है, हाफ के ए स्क्वायर. बट पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर है. अभी दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? यस सर. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना. ये जो हम कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी आपका के मैक्स और ये इक्वल टू पी मैक्स है, दिस इज वैलिड ओनली इफ पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो. ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज जीरो इफ पोटेंशियल एनर्जी एट mean position is non-zero. Is non-zero. Say U naught. Then then potential energy at position x अगर लिखोगे तो लिखोगे आप half k x square n plus u naught लिखोगे. And therefore p max की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा half k a square n plus u naught. ke max की वैल्यू की बात करें तो ये अभी भी half m sorry half k into a square है. ke as a function of position लिखोगे तो ये अभी भी वैसे लिखोगे half m v square. So half m omega square into a square minus x square. ये अभी भी वही लिख रहे हैं. So therefore, अगर आप total energy निकालोगे, जो कि आपका kinetic energy और potential energy का sum है, ये आपका half m omega square a square n plus u naught आएगा, which is basically half k a square n plus u naught. तो इसका मतलब ये हुआ कि total energy की value पोटेंशियल जी के मैक्सिमम वैल्यू से तो मैच कर रही है, बट दिस इज नॉट मैचिंग विद के मैक्स. समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है सबको? यस सर. हां सर. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल एनर्जी का अगर टोटल एनर्जी का वैल्यू के मैक्स से मैच नहीं करता, या पी मैक्स का वैल्यू टोटल एनर्जी के मैक्स से मैच नहीं करता, इसका मतलब क्या है? मीन पोजिशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? नॉन जीरो है. है या नहीं है? समझ आई आपको? हाँ सर.
So if total energy is not equal to Ke max, which is half Ka square, then potential energy at mean position is non-zero. ये ध्यान रखिएगा. Is non-zero. And this value, in this potential energy, and this potential energy is U naught, which is total energy minus K max. I hope आपको याद रहेंगे ये. याद रहेंगे आपको. ठीक है. हाँ सर. ठीक है. Okay. अगर आपसे किसी ने पूछा कि डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का निकाल लोगे, तो के ई माइनस पी ई अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. सही लिखा है क्या मैंने? लिखा है सही? हाँ सर. तो ये टर्म हो गया हाफ के ए स्क्वायर एंड इनटू कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस टू फाइव. ये आ रहा है क्या? देख लो. हाँ सर. देखो फिर से. अगर आप देखो तो टी का जो कोएफिशिएंट है देखो वो टू ओमेगा है, दिख रहा है, और कॉस का पावर वन ही है. इसका मतलब डिफरेंस ऑफ के ई एंड पी ई ऑल्सो ऑसिलेट्स, ऑल्सो ऑसिलेट्स विथ ट्वाइस ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्ट्रोन. सही है ना? समझ आइए सभी को? यस. अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर फंक्शन या कॉस स्क्वायर फंक्शन कितना है, अच्छा साइन और कोसाइन का ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है ये बताइए. तो शिफ्टिंग होता है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट शिफ्टेड होता है पाई बाय 2 से. अदरवाइज कोई डिफरेंस है क्या? नहीं सर. अगर हम साइन कोसाइन की बात करें, एक फंक्शन साइन और दूसरा कोसाइन, तो एक फंक्शन दूसरे के रिस्पेक्ट में जस्ट शिफ्टेड है पाई बाय 2 से, बट ग्राफ का जो शेप है, जो साइज है, जो पीक्स है, वो सारे आइडेंटिकल है या नहीं है? हाँ सर. तो इज इट ऑब्वियस कि अगर उनकी एवरेज वैल्यू निकाली जाए एक पूरे पीरियड में, तो एक पूरे पीरियड में उनकी एवरेज सेम आएगी है? नहीं है, है ना? यस सर. हाँ सर. किसी भी कोई भी एक ऐसा फंक्शन सोचो, कोई भी एक ऐसा फंक्शन, अगर मान लो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एंड पूछे कि एवरेज ऑफ y चाहिए, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं? एवरेज ऑफ y निकालने का तरीका क्या है? इंटीग्रेट करो आप y को, मतलब एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू, एंड उस एक्स टू माइनस एक्स वन वाले इंटरवल से इसको डिवाइड कर दो. दैट इज वॉट यू डू. ये अगर देखोगे तो एवरेज निकालने का एक कॉमन तरीका ही है. जैसे एज का एवरेज निकालते हैं, तो एज का एवरेज निकालने का तरीका क्या है? आप ऐड करो सारे एज को एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करो. ये चीज मैंने आपको केटीजी में भी सिखाया था एक बार, याद है आपको? हाँ सर. देखो एवरेज निकालने का वही तरीका यूज किया हमने. एडिशन का मतलब कंटिन्यूस वेरिएशन में क्या है? इंटीग्रेशन. इंटीग्रेट किया फिर इंटरवल से डिवाइड कर दिया, यही तो किया है. हाँ सर. तो अब सोचो कि साइनसोइडल फंक्शन में अगर करेंगे आप, तो ये जो क्वांटिटी न्यूमरेटर वाला क्वांटिटी है, ये क्या है? एरिया अंडर द ग्राफ ही तो है ना. ये न्यूमरेटर क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज दिस क्वांटिटी? एरिया अंडर द ग्राफ. और एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप साइनसोइडल में निकालोगे, साइन या कोसाइन हो, पूरे एक पीरियड में तो जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि जितना क्रेस्ट है उतना ही ट्रफ है. साइनसोइडल कह रहा हूं मतलब साइन और कोसाइन है, नहीं है? हां सर. तो दोनों का ही एवरेज वैल्यू जीरो है. बट अगर साइन स्क्वायर फंक्शन की बात करें या कॉस स्क्वायर फंक्शन की बात करें, तो अब तो एरिया नॉन जीरो होगा, होगा नहीं, क्योंकि एक क्रेस्ट है तो दूसरा. समझ आ रही है?
सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इतना पक्का है कि एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकालो या फिर एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी निकालो, ये दोनों तो पक्का है सेम आएगा, आएगा ना, कह सकते हैं सर, क्योंकि दोनों के नीचे का एरिया तो सेम आएगा। हाँ सर। देयरफॉर अगर आपको ये इनइक्वालिटी यूज करना हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यू वन होना चाहिए, ये हमेशा वन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इनका एवरेज अगर लोगे तो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू वन, क्योंकि वन का एवरेज तो वन ही रहेगा, राइट? Yes. होगा। अब देखो ये दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल है, साइन स्क्वायर का एवरेज एंड कॉस स्क्वायर का एवरेज, तो इजंट इट ऑब्वियस कि एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर फंक्शन हो या एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर फंक्शन हो, ये दोनों ही हाफ आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, समझ आई सभी को? आएंगे सर। नहीं समझ आई? यस सर। अगर आप अगर इन केस आपको नहीं समझ आया तो आप इंटीग्रेट करके निकाल लीजिए, आपको एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डीटी एंड दैट डीटी हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि मतलब आप नहीं पाई बाय ओमेगा ही कर लो, क्योंकि साइन स्क्वायर फंक्शन में तो पीरियड हाफ हो जाता है, तो पाई बाय ओमेगा तक इंटीग्रेट कर लेंगे, दैट्स इट, तो उससे आपका हाफ ही आएगा। मैंने आपको आसान तरीका बताया बिना इंटीग्रेशन इन्वॉल्व किए, ये आसान तरीका है। आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर फंक्शन हो या कॉस स्क्वायर फंक्शन हो, दोनों की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है, ठीक है? ओके सर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। सो हमने यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर भी निकाल लिया, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर भी निकाल लिया। हाँ, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो अब अगर कोई पूछे कि एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ के ए स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ना, तो क्या ये क्वांटिटी हाफ के ए स्क्वायर इनटू हाफ, एक एक्स्ट्रा हाफ आएगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। सिमिलर तरीके से अगर पोटेंशियल की भी एवरेज की बात करें, तो पोटेंशियल का एवरेज अगर निकाले तो हाफ के ए स्क्वायर एन प्लस सॉरी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका एवरेज लेना पड़ेगा आपको, और इसका एवरेज लिया तो फिर से हाफ के ए स्क्वायर एन इन टू हाफ हो जाएगा, समझ आइए आपको? हाँ सर। अगर एक यू नॉट होता, ये तो तब है ना, इफ यू नॉट इज जीरो, अगर u नॉट नॉन जीरो होता तब क्या करते, यहाँ पे एवरेज ऑफ हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव एंड प्लस u नॉट, ये टर्म ले लेते हैं, और इसको जब आप ब्रेक करते तो ये जाता हाफ के ए स्क्वायर एंड सॉरी इनटू हाफ एंड प्लस u नॉट, क्योंकि u नॉट तो एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का एवरेज तो वही रह जाएगा, है ना? दिस इज इफ u नॉट इज नॉन जीरो। क्लियर आइए, मैक्सिमम चांसेस आपको इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ेगी, नीचे वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी और इसकी। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो अभी। हाँ सर। इंटरवेज करके दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन, देखो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 6×10⁵ न्यूटन पर मीटर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 4 cm हैज टोटल एनर्जी ऑफ 600 joules, फाइंड पहला K max, दूसरा P max एंड तीसरा PE min, ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। देखो K max अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है, ये कितनी होती है, हाफ K a square होती है ना,
इसको तो रेफरेंस से कोई लेने देना नहीं है, है ना? तो ये वाली क्वांटिटी हो गई है हाफ इंटू के की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁵ एंड ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, सो 4 × 4 एंड इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, सारा ऐसा ही है। तो ये 10⁻⁴ और 10⁵ का ये 5 कट गया तो एक 10 बचेगा, सो ये 2 3 से जाएगा, 16 × 3 = 48 480 जूल्स आ रही है। क्लियर है? यस सर। ओके, अगर आप देखोगे तो दिस इज नॉट मैचिंग विथ टोटल एनर्जी विच इज 600 जूल्स, दिख रही है? और नहीं मैच कर रही है, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन जो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी था, ये जिसको हम यू नॉट कह रहे थे, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम के मैक्स को, है ना? तो टोटल एनर्जी आपका 600 से 480 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 120 जूल्स मिल गई, तो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू मिल गया। और आपको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू तो पक्का है टोटल एनर्जी से मैच करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू आपका टोटल एनर्जी से पक्का मैच करना है, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स सिंपली 600। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो एंड एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ कैपिटल ए कॉमा कैपिटल डी, फाइंड the instant of time when the kinetic energy becomes 3 times the potential energy, kinetic energy becomes 3 times the potential energy for the second time। ये आपको निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होते हैं बस टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखना और जो फैक्टर दिया हुआ है कि कितना गुना हो गया है, कौन सा कितना गुना हो गया है, उस कंडीशन को बस यूज करना, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसको आप टोटल एनर्जी लिखते हो, जो कि आपका हाफ के स्क्वायर, लिखते हैं इसको, लिखते हैं ना? यस सर। और काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 3 गुना पोटेंशियल हो गया है, तो 3 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस दी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, और 3 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब 4 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। तो इजंट इट ऑब्वियस कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ऑफ ए बाय 2 है? है? यस सर। है? इसका मतलब एवरी टाइम द पार्टिकल, इसका मतलब एवरी टाइम द पार्टिकल इज एट इधर एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू और एक्स इक्वल टू प्लस ए बाई टू, तो ये श्योर है कि उस बार, हर उस बार उसकी जो पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 3 गुनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना? राइट? हाँ सर। यस सर। अब देखो, आप उसने स्टार्ट जहां से किया था उसकी उस कंडीशन को यूज करो। स्टार्ट कहां से किया था उसने? एक्स इक्वल टू जीरो से, तो यहां से स्टार्ट कर रहा है वो, और एक्स इक्वल टू ए बाई टू पोजिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहली बार तो यहां पे क्रॉस कर रहा है, तो ये फर्स्ट इवेंट हुआ ना जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपका 3 गुना हो जाएगा, राइट? हाँ सर। दिस इज द फर्स्ट इवेंट, राइट? फर्स्ट इवेंट है ये। उसके बाद फिर ये यहां से आगे बढ़ के गया, मीन पोजिशन पे पहुंचा, सॉरी एक्सट्रीमेंट पे पहुंचा, और फिर वापस से मीन पोजीशन की तरफ भाग रहा है, तो जब ये यहाँ पे पहुंच गया ए बाई टू पे, तो वापस से सेकंड इवेंट हो गया ना भाई, हुआ नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। तो देखो, तो उसको बस ये टाइम ही तो आपको निकालना है ना, ये टी इक्वल टू जीरो का था, ये टाइम कितना है यही तो आपसे पूछा है, ये टाइम कितना है पूछा है ना, ये उसने
हाँ सर ये टाइम अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड है टी बाई फोर प्लस टी बाई सिक्स होगा नहीं होगा टी बाई फोर मतलब मीन पोजिशन से एक्सट्रीम एंड और एक्सट्रीम एंड से ए बाई टू आने का जो टाइम है ए बाई टू आने का टाइम एक्सट्रीम एंड से ए बाई टू वो तो टी बाई सिक्स होता है ना राइट हाँ सर यस सर तो 12 कॉमन ले लिया 3 प्लस 2 5 हो गया 5 टी बाई 12 ये आंसर हो जाएगा और ये अगर नहीं आता आपको याद नहीं है तो आप फेजर डायग्राम जस्ट ड्रॉ कर लेते यहाँ पे दिखाते इसको यहाँ से स्टार्ट करके उसको वहां तक पहुंचाना है ये एंगल तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है 60 डिग्री है ये 90 डिग्री है सो इसको अगर नहीं करते तो आप ये सोचते कि जो फेज शिफ्ट आई है फेज चेंज हुई है वो कितने से हुई है 150 डिग्री हुई है विच इज बेसिकली 5 pi/6 एंड देयरफॉर जो टाइम इंटरवल लगी है डेल्टा टी जो टाइम रिक्वायर्ड है अपना दैट विल बी 150 डिवाइडेड बाय 360 इनटू कैपिटल डी यही होगा ना होगा नहीं होगा यस सर यहां पे 3 5s था 3 12s था सो 5t/12 ये आंसर हो गया क्लियर है सभी को यस सर कि चलो एक और कर लेते हैं थ्री पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल मास एग्जीक्यूट SHM whose potential energy variation with position is shown. दूसरा एंड एक और तीसरा ये देखो ये तीन पार्टिकल दे रखे हैं तीनों के SHM का ग्राफ दे रखा है और बोला है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम पीरियड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम पीरियड में आपको अरेंज करना है कैसे करेंगे आप एक चीज नोटिस करोगे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो पोटेंशियल का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये सब में एक ही दिया मैंने दिख रहा है आपको दिख रहा है हाफ के ए स्क्वायर और ये वाला टर्म आपको कांस्टेंट दिया है देखो एम्पलीट्यूड सबकी अलग अलग है दिख रही है आपको फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड देखो छोटा है सेकेंड वाले का थोड़ा बड़ा है एंड थर्ड वाले का और भी ज्यादा बड़ा है दिख रहा है आपको हाँ सर तो इससे आपको ये पता चलता है कि k की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी इसका मतलब एम्पलीट्यूड का वैल्यू डिक्रीज करेगा ये तो होगा ना है ना हाफ k स्क्वायर कांस्टेंट है तो k इंक्रीज करेगा तो a डिक्रीज करेगा सच कि k स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे यस सर यस सर ठीक है तो आप जब टाइम पीरियड निकालते हो तो टाइम पीरियड को आप लिखते हो 2π/ω व्हिच इज 2π√m/k m तो ऑलरेडी उसने सेम दे रखा है तो t proportional to 1/√k and root k का मतलब ये हो गया proportional to amplitude ये तो है हुआ नहीं हुआ हाँ सर
इसका मतलब जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा. इसका मतलब टी थ्री विल बी ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन टी वन. ये हो जाएगा. क्लियर हुआ? यस यस सर. हाँ सर. ओके finding out time period of oscillation. When potential energy is given as a function of position. देखो अगर हम SHM की बात करें, एवरी SHM हैज रिस्टोरिंग फोर्स की अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू किस ऑर्डर का होना चाहिए? K टाइम्स ऑफ x माइनस x नॉट होना चाहिए ना, राइट? हाँ सर. ठीक है, x नॉट यहाँ पे मीन पोजीशन है. तो इसका मतलब अगर मैं डेल f बाई डेल x करूंगा, अच्छा एक ही बात है, d एक ही वेरिएबल तो है, दो वेरिएबल तो नहीं है, तो df by dx कर लें तो इसकी वैल्यू हमें k दे देगा क्या? देगा नहीं देगा? देगा सर. अच्छा ये जो f हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? माइनस ऑफ du by dx करके भी तो निकालते हैं ना, निकालते नहीं निकालते? हाँ सर. इसका मतलब अगर मुझे k चाहिए तो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ df सॉरी df by dx जो हम लिख रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड से जो हमें मिल रहा है इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं d2u by dx2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, राइट? लिख सकते हैं. दैट्स इट. मतलब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी या फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखा है तो बस उसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लो और वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू आपको x equal to x0 पे निकालना है क्योंकि ऑसिलेशन किसके अबाउट कर रहा है? x0 के अबाउट. तो x equal to x0 पे ही आपको ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का निकालना है वैल्यू. कई बार हो सकता है आपको ये x0 की जरूरत ही ना पड़े, जैसे यहाँ पे देखो x0 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि df by dx आपका डायरेक्टली किया चुका है. कई बार आपको x0 की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल कहाँ पे जरूरत पड़ सकता है, तो वहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करके निकालना ही पड़ेगा आपको. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि ये जो k होगा ये आप जो निकाल रहे हो मॉड ऑफ d2u by dx2 this has to be at x equal to x naught. और जैसे आपको k मिल गया तो टाइम पीरियड आप क्या लिखोगे? 2 पाई रूट अंडर m by k कर लोगे. सो देयरफॉर टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट अंडर m by k. हो गया आंसर. मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, सब सीख जाएंगे आप. फाइंड the time period of SHM of a particle of mass m whose potential energy at x is given by u की वैल्यू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एंड दूसरे में u की वैल्यू दे रखी है अल्फा माइनस बीटा कॉस ऑफ गामा एक्स. ये मान लो ऐसा दे रखा है. ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन में आपको आंसर फाइंड आउट करना है. पहला वाला करते हैं. पहले आप du by dx निकालो, du by dx. तो du by dx निकाला तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो गया. एंड फिर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो डी टू यू बाई डी एक्स टू निकालना है तो जाएगा 2 अल्फा. दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ सर. अब यही के हो गया, यही के हो गया मेरे लिए, दिस इज के. और ये के एक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है. इसका मतलब श्योर होकर लिख सकते हैं कि आपकी जो टाइम पीरियड होगी दैट विल बी 2 पाई रूट अंडर एम बाई के. सो एम बाई 2 अल्फा हो जाएगा. क्लियर है? यस सर. यस सर. सेकेंड वेरिएबल.
सो डीयू बाई डीएक्स पहले निकाले तो ये डीयू बाई डीएक्स होगी, अल्फा का डिफरेंशिएशन तो जीरो सो माइनस ऑफ बीटा, एंड फिर कॉस का डिफरेंशिएशन मतलब माइनस ऑफ साइन गामा एक्स, एंड फिर चेन रूल लगेगा तो गामा फिर बाहर निकले सो माइनस माइनस प्लस हो गया. सो दिस इज बीटा इंटू गामा इंटू साइन ऑफ गामा एक्स. ठीक है फोर्स जीरो कहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो फोर्स की वैल्यू तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स होती है, और माइनस डी यू बाई डी एक्स मतलब माइनस ऑफ बीटा इंटू गामा इंटू साइन ऑफ गामा एक्स. सो देयरफॉर मीन पोजीशन अगर निकालनी है आपको, एफ की वैल्यू जीरो दिख रही है आपको, दिख रही है इसका मतलब मीन पोजीशन आपका x इक्वल टू जीरो पे ही लोकेटेड है. तो आपको du by dx जो फाइंड आउट करना है, सॉरी du u by dx2 जो फाइंड आउट करना है वो आपको x इक्वल टू जीरो पे फाइंड आउट करना है. तो अगर डेरिवेटिव को du d2u by dx2 लिखे तो ये वैल्यू हो जाएगी बीटा इनटू गामा, साइन का डिफरेंशिएशन विल बी कॉस ऑफ गामा x, एंड एक और चेन रूल से आपका गामा आएगा, इसका मतलब दिस बिकम्स बीटा इनटू गामा स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ x, एंड दिस विल बी एट x इक्वल टू जीरो. So this will be beta into gamma square into 1. Reason being, since x equal to 0 by final. And ye wala term aapka kya ho jayega? Kya ho jayega? So this implies k ki value ye hogi. Okay. And therefore, time period will be 2 pi root under m by k. So m by beta into gamma square. Answer ho jayega. Clear hai? Yes, sir. Yes, sir. Koi confusion kisi ko? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है, चलो अच्छी बात है. अब कुछ स्टैंडर्ड मतलब मैंने अभी मतलब एक एक सेक्शन बेसिकली उनका बड़ा सा कवर अप किया है. यस यस एक सेक्शन बड़ा सा कवर किया है जिसमें हमें ऑलरेडी वो बता देते थे कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड ये सब दे देते थे हमें, और उसके बाद फिर हमें फाइंड आउट करने बोलते थे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का टाइम वगैरह वगैरह, मतलब टाइम पीरियड पहले से दे देते थे. फिर अभी तुरंत आपको एक चीज सिखाया मैंने, वो ये था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर फंक्शन ऑफ पोजिशन दे रखा है तो उससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब एक नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव कर रहे हैं जहां पे हमें एक फिजिकल सिचुएशन दिया होगा, दे विल गिव अस अ फिजिकल सिचुएशन, और उस फिजिकल सिचुएशन पे हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना होगा. फिजिकल सिचुएशन मतलब कि जैसे आपको इमेजिन करो कि एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दे दिया और बोला कि इस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए टाइम पीरियड फाइंड आउट करो, तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना ही इस बार आपका टारगेट होगा. तो कोई भी ऑसिलेशन हो, कोई भी ऑसिलेशन हो, उस ऑसिलेशन में अगर एसएचएम हो रहा है तो पक्का है एक मीन पोजीशन तो एग्जिस्ट करेगा. मीन पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जहां पे फोर्स जीरो होती है. उसके बाद आप जब इसको डिस्प्लेस करते हो मीन पोजीशन से, तब इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स ऐड करना स्टार्ट करता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आना चाहिए. ये चीज तो आपने सीखा है ना, है नहीं है? तो इसी चीज को आपको फॉलो करके बेसिकली क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. तो पहला चीज यही पहला काम होगा कि आप मीन पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे. अगर मीन पोजीशन दिखता है तो मतलब ऑब्वियसली दिखता है तो फिर ठीक है, बट अगर दिखता नहीं है कहाँ पे है तो अगर इक्वेशन लिखने की जरूरत है तो वो भी लिखेंगे. जैसे अगर स्प्रिंग अगर एक ब्लॉक से लटका हुआ है, तो स्प्रिंग अगर ब्लॉक से लटका हुआ है तो ऑब्वियसली मीन पोजीशन ऑब्वियस मतलब आपको कैलकुलेट करना होगा, और वो फोर्स बैलेंसिंग करके होगा कि mg नीचे की तरफ लग रहा है, kx ऊपर की तरफ लग रहा है, तो kx इक्वल टू mg जहां पे हो गया वही आपका मीन पोजीशन हो गया. तो वो मीन पोजीशन लोकेट किया आपने. बट अगर हम सोचे कि एक पेंडुलम बॉब लटका हुआ है, तो पेंडुलम बॉब अगर लटका हुआ है तो उसके लिए कुछ इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं मीन पोजीशन के लिए, क्योंकि वो ऑब्वियस है सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन है या नहीं है? समझ आ रही है? यस सर, यस सर. तो मतलब कई बार मैं कह रहा हूं कि मीन पोजीशन ऑब्वियस होगा, कई बार ऑब्वियस नहीं होगा. जहां ऑब्वियस नहीं है वहां पर इक्वेशन लिख लो मीन पोजिशन के लिए, और जहां पे ऑब्वियस है वहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है.
उसके बाद फिर आप क्या करो, इसको डिस्प्लेस करो बाय स्मॉल अमाउंट एक्स. स्मॉल अमाउंट हमेशा चूज करना क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन कुछ लेने पड़ेंगे हो सकता है आपको. तो स्मॉल अमाउंट एक्स से डिस्प्लेस करो ऑब्जेक्ट को. उसके बाद चेक करो कि ये डिस्प्लेस पोजिशन पे उस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होगी, और वो रिस्टोरिंग फोर्स को आपको किसी तरह से ये प्रूव करना होगा कि प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन है. दैट्स इट. अगर ये प्रूव कर दिया तो काम खत्म हो गया, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आती है वही कांस्टेंट के बन जाती है. तो एक्सेलरेशन को के बाई एम इंटू एक्स लिखेंगे, और ये के बाई एम वाला जो फैक्टर होगा इसको ओमेगा स्क्वायर बना देंगे. ये काम आप लीनियर एसएचएम में करते हैं. लीनियर एसएचएम मतलब कि कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके लिए करेंगे. बट अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है, अगर मान लो कि कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है मैं कह रहा हूँ, और वो रिजिड ऑब्जेक्ट किसी एंगुलर पोजिशन में घूम घूम के वो ऑसिलेट कर रहा है. जैसे इमेजिन करो कि आपने अपने हाथ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, या वॉल से इमेजिन करो, वॉल से सोचो कोई चीज लटकी हुई है, और अगर वो लटकी हुई है आप उसको टिल्ट करके छोड़ देते हो तो फिर टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर जाता है. वो रिजिड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. दिस रिजिड ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. हो सकता है आपके हाथ में पकड़ा हुआ कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्लैंप किया हुआ है, कुछ भी हो सकता है. तो मतलब कुछ भी मैं कह रहा हूँ, एनीथिंग. टेक एनी रैंडम शेप एंड साइज विच इज इन योर माइंड एंड मेक इट ऑसिलेट इन अ वर्टिकल प्लेन. तो उस केस में ये क्या होगा, एंगुलर एसएचएम करेगा. एंगुलर एसएचएम मतलब कि इसका एंगल जो होगा, एंगुलर पोजिशन, वो सिंपल हार्मोनिकली वेरी करेगा टाइम के साथ. तो उस केस में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. जैसे लीनियर एसएचएम में हम क्या प्रूव करते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन होगा, तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. बट अगर एंगुलर एसएचएम हो रहा होगा तो उस केस में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल, सॉरी, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा. क्या बात समझ आ रही है आपको? यस सर. हाँ सर. ठीक है, तो इनको यूज करके बेसिकली आपको हर बार टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, अब उसका मेथड एक बार लिख देता हूँ, फिर उसके बाद फिर एक एक करके एग्जांपल्स कर पाएंगे हम. ठीक है, मेथड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम of a given physical situation. Steps follow करना है आपको. Steps पहला, identify mean position. और मीन पोजीशन का मतलब क्या है? एफ नेट जीरो होना चाहिए फॉर लीनियर एसएचएम, और टॉर्क नेट जीरो होना चाहिए फॉर एंगुलर एसएचएम. सेकेंड स्टेप होगा, आप डिस्प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को. डिस्प्लेस given object by small amount. ये small amount x मानेंगे आप for linear system, and theta मानेंगे for angular system. third step होगा, आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट नेट रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क एंड ट्राई टू प्रूव यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशंस इफ रिक्वायर्ड. सम अप्रोक्सीमेशंस if required that restoring force is proportional to x or restoring torque is proportional to theta. proportionality हटाओगे तो restoring force को आप mass into acceleration लिखोगे, और ये आप kx लिखोगे, तो acceleration की value k by m into x आ जाएगा. यही अगर
एंगुलर एसएचएम के लिए करोगे तो टॉर्क की वैल्यू को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा लिखोगे एंड इसकी वैल्यू को सी इनटू थीटा लिखोगे. तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी सी बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू थीटा. तो ये जो जैसे यहाँ पे आप के बाई एम की वैल्यू को आप ओमेगा स्क्वायर मानते हैं वैसे यहाँ पे सी बाई आई क्यों इसको आप ओमेगा स्क्वायर चूज करोगे. तो टाइम पीरियड यहाँ पे जैसा लिख देते हैं आप 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, यहाँ पे आप टाइम पीरियड देखोगे 2 पाई रूट अंडर आई बाई सी. क्या बात समझ आई सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है, बस इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो सबको याद रखना चाहिए, चाहे वो नीट एस्पिरेंट है चाहे वो यू नो आईटीजेई एस्पिरेंट है, वो सबको याद रखना चाहिए. कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं. उसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी होते हैं आई मीन टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए, वो सिर्फ जेई वालों को जरूरत पड़ेगी, वो अलग से करवाऊंगा. बट जो स्टैंडर्ड है वो सबके लिए स्टैंडर्ड है. ठीक है, मैं कुछ स्टैंडर्ड है वो लिख देता हूँ कि क्या क्या स्टैंडर्ड है, उनको एक एक करके डिराइव भी करूंगा, आपको याद भी रखना होगा. वो सम स्टैंडर्ड SHM results. क्या क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं? पहला पेंडुलम्स में पांच तरह का पेंडुलम है. एक है आपका सिंपल पेंडुलम, एक है आपका कंपाउंड या फिर फिजिकल पेंडुलम भी जिसको कहते हैं, फिर तीसरा है कोनिकल पेंडुलम, फिर चौथा है स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम एंड पांचवा है टॉर्शनल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम ने कर रखा है, क्या है ना ये, क्या नहीं क्या है? कोनिकल तो यूसीएम का केस है ना, है ही नहीं है? कोनिकल पेंडुलम का यूसीएम केस है, ये एसएचएम नहीं है. ठीक है, पेंडुलम्स के पांच तरह के टाइप होते हैं, बट कोनिकल पेंडुलम आपका एसएचएम का पार्ट नहीं है. दिस इज नॉट एन एसएचएम, ये आपका एसएचएम नहीं है, नॉट एन एसएचएम. बट पेंडुलम्स की सिंस बात कर रहे हैं तो ये सारा ये पांच तरह के हैं. अब ये एक एक करके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, ये एक एक करके डिस्कशन करेंगे. बट पहले मैं सारे रिजल्ट लिख देता हूँ क्या क्या आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखने हैं. तो ये पांच तो हो गए ऑलरेडी. फिर दूसरा आपका आता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है तो उसके एसएचएम का टाइम पीरियड. फिर आता है आपका लिक्विड कॉलम इन अ वी ट्यूब, लिक्विड कॉलम इन अ वी ट्यूब, मतलब वी ट्यूब के अल्फाबेट के शेप में आपका एक ट्यूब होगा और उस ट्यूब में लिक्विड भर के रखा होगा और उस ट्यूब को एक एंड से पुश करके छोड़ोगे तो लिक्विड का कॉलम ही बेसिकली ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा. चौथा होगा ऑब्जेक्ट इनसाइड अ टनल ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर एक टनल क्रिएट करेंगे और उस टनल के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का एसएचएम करवाएंगे. ये चार आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, चार तो नहीं, इसमें सिंपल कंपाउंड वो सब भी हैं तो एक एक टाइप लोगे तो ज्यादा हो जाएंगे, बट चार ब्रॉड एडिंग के अंदर है. एक एक करके इन सारे पेंडुलम्स की बात करते हैं. सर बोलिए. सर अब नंबर फोर का एग्जांपल दे सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं है नंबर फोर वाला. सारे को डिटेल्स में करेंगे, मैंने बोला ना सारे को डिटेल्स में करेंगे. ओह अच्छा ठीक है सर, मैं थोड़ा फॉलो नहीं कर पा रहा था इसलिए मैं पूछ रहा था. सारे डिटेल्स में करेंगे एक एक करके. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए पहले सिंपल पेंडुलम से स्टार्ट करते हैं. सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या है? सिंपल पेंडुलम का मतलब ये है कि एक बॉब होगा, है ना, अ बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम आइडियल स्विंग, यही होता है ना सिंपल पेंडुलम, होता या नहीं होता? हाँ सर. और ये बॉब का साइज क्या होता है? नेग्लिजिबल. बॉब का साइज खुद नेग्लिजिबल साइज होना चाहिए और उसके लिए हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ये कंडीशन से ध्यान रखेंगे. तो सिचुएशन ये है हमारे पास कि एक फिक्स पॉइंट है मान लो यहाँ पे, और एक फिक्स पॉइंट से हमने एक ऑब्जेक्ट को लटका रखा है एक स्ट्रिंग की हेल्प से और ये ऑब्जेक्ट यहाँ लटका हुआ है. मेन पोजिशन तो यही है, क्लियर है ना,
है नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। ये वाली पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। तो मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ थोड़ा सा अमाउंट से, देखो आप इसको मान लेते हमने डिस्प्लेस किया इधर, ये डिस्प्लेस करके ऐसे यहां पहुंच गए इस पोजीशन पे। ये एंगल मान लेते थीटा है, ये थीटा स्मॉल लेंगे तो ये जो कर्व जिस कर्व में वो मूव किया है ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होगा। यस सर। हां सर। देखो ये जो x दिखा रहे हैं, ये x की वैल्यू को ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह, लेंथ कितना होगा l into थीटा है ना, होगा होगा। इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये एंगल थीटा, और इधर की तरफ आपका एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा देखो, और ये रिस्टोरिंग फोर्स है, दिख रही है mg sin थीटा दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। देखो अर्थ का सरफेस ये है, दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ, एंड अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर mg ऐसे तो लगता है ना हाँ सर। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू में कितनी दिख रही है, रिस्टोरिंग फोर्स इज mg into sin थीटा। और मैंने आपको बोला था ना कि कुछ अप्रोक्सीमेशंस की जरूरत पड़े तो उस अप्रोक्सीमेशंस को यूज करके ये प्रूव करने की कोशिश करो कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल x है, मैं डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी वैल्यू को अगर लिखे तो mg into, ये अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं, mg into थीटा लिख सकते हैं ना क्योंकि थीटा छोटा है। हाँ सर। सिंस थीटा इज स्मॉल तो हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो अब थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा, मास कट गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो आ रही है जी बाई एल इनटू एक्स आ रही है, देखो आ रही है क्या आ रही है? हाँ सर। तो क्या हमने एसएचएम प्रूव कर दिया? यस सर। ये जो टर्म आ रही है, ये टर्म क्या होगी उसकी, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई है रूट अंडर जी बाई एल, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, हो गया आंसर। ये रिजल्ट आपको बहुत पहले से ही पता है, फर्स्ट चैप्टर से ही आप यूज कर रहे हैं, याद है आपको एरर इन मेजरमेंट से आप यूज कर रहे हैं ना, तो टाइम पीरियड आपकी 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होनी चाहिए। क्या आपको ये पता चल रहा है कि इस टाइम पीरियड का लिमिटेशन क्या है, कोई लिमिटेशन आपको दिख रहा है? सर हम मीन पोजीशन से ज्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट करके नहीं स्टार्ट कर सकते। गुड, मतलब यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए ताकि जो पार्टिकल है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता हूँ मुझे अपीयर करे। अगर बड़े एंगल के लिए फाइंड आउट करोगे तो वो टाइम पीरियड हम मैथमेटिकली फाइंड आउट नहीं करेंगे, मैथमेटिकली वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए ध्यान रखनी है कि ये छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए ही टाइम पीरियड ऑसिलेशन वैलिड है। जैसे किसी ने बोला 60 डिग्री से हमने रिलीज कर दिया है और उसके बाद फिर बताओ मीन पोजीशन आने का टाइम कितना हुआ, तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे उसको, ठीक है? तो वो पूछेगा कहीं आपसे, बट एक चीज श्योर हो कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे हम, ये 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी वाला फॉर्मूला है। समझ आ रही है आपको? यस सर। समझ आ रही है? दूसरा लिमिटेशन एक और है, देखो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसको मैंने फिक्स माना है ना। हां सर। क्या जरूरी है वो फिक्स्ड होएगा? नहीं, वो एक्सेलरेट भी तो कर सकता है, और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उस केस में जी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा जी इफेक्टिव से, है ना? यस सर। और जी इफेक्टिव निकालने का तरीका तो आपको पता है, जी में आपको फ्रेम का एक्सेलरेशन को रिवर्ट करके ऐड करना पड़ता है, राइट? जी माइनस ए, है ना? राइट सर। यस सर। ठीक है, वहां से आपका जी इफेक्टिव भी मिल जाएगा आपको, सो यू विल गेट जी इफेक्टिव फ्रॉम देयर। तीसरा एक और लिमिटेशन है, ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि ऑब्वियसली आपको लगता है कि हमेशा होगा, बट हमेशा होगा ऐसा नहीं है। मतलब कभी कभी आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जहां पे वो ये भी देते हैं आपको कि लेंथ ऑफ पेंडुलम कंपेरेबल टू अर्थ रेडियस है। तो उस केस में अगर मैं छोटा एंगल भी घुमाता हूं तो छोटा एंगल भी घुमाने से जो डिस्टेंस वो कवर करेगा x वो काफी बड़ा होगा ना, क्योंकि इस बार लेंथ l जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो कंपेरेबल टू अर्थ रेडियस है। समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर।
ठीक है, तो उस केस में आपका ये जो x होगा वो काफी बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। तो उस केस में अगर x बड़ा डिस्टेंस अगर शिफ्ट कर गया तो अर्थ का जो सरफेस है वो अर्थ का सरफेस क्या उसको फ्लैट दिखेगा? डिस्प्लेस पोजिशन से मैं बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेस पोजिशन से वो अर्थ का सर्फेस क्या फ्लैट दिखेगा या कर्व दिखना शुरू हो जाएगा उसको? अगर अर्थ के सर्फेस के हम बहुत ऊपर जाना शुरू, अगर हम अर्थ के सर्फेस के काफी ऊपर जाना शुरू कर जाए तो इजंट इट ऑब्वियस कि हमें अर्थ कर्व की तरह दिखने लगेगा, है ना? पूरा कर्व हो जाएगा, है ना? तो अर्थ अर्थ का सर्फेस ही अगर कर्व हो गया तो उस केस में एम जी जो बोलते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड्स, क्या वो लॉजिक गलत हो नहीं जाएगा, है ना? हाँ सर। उस केस में हमें क्या बोलना पड़ेगा? इट हैज टू बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये बोलना पड़ेगा ना हमें। गेटिंग इट? ठीक है, तो उस पे बेस रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा, उस पे बेस करके वो रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा, वो मैं करके दिखाऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको एक एक करके वो लिमिटेशन को मेंशन करके उसको एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ अबव रिजल्ट, पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा शुड बी स्मॉल। बुक्स में, मेजोरिटी ऑफ बुक्स में जो थीटा है वो लेस देन 10 डिग्री माना जाता है। एक्चुअल जो है वो 5 डिग्री तक अच्छा अप्रोक्सीमेशन चलता है, बट बहुत सारे बुक्स में थीटा 10 डिग्री तक भी लेके चलते हैं वो छोटा, तो हम भी उसको उसको ही मान के चलेंगे। दूसरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन शुड बी अनएक्सेलरेटेड, शुड बी अनएक्सेलरेटेड। इन केस इट इज एक्सेलरेटेड रिप्लेस जी विथ G effective, where G effective का magnitude is magnitude of G plus minus of A. Revert and add, ठीक है, ध्यान रखना acceleration को revert करके add करेंगे। कुछ common values जो है G effective के जो हम frequently use करते हैं, ये तो बहुत बार आपने use किया सब आपको याद होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, कुछ लोगों को याद नहीं रहता। G plus A if acceleration is up, है ना? G minus A if acceleration is down and acceleration is less than G, correct है ना? हाँ सर। अगर acceleration greater than G कर देंगे नीचे तब string ही slack कर जाएगा, और string slack कर जाएगा तब तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है? तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। फिर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कब होगा? अगर एक्सेलरेशन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, है ना? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो रिवर्ट एंड ऐड करेंगे तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक इंक्लाइन प्लेन है इंक्लिनेशन थीटा का, तो उसमें जो जी हो जाती है वो जी कॉस थीटा हो जाती है, अगर एक्सेलरेशन आपकी g साइन थीटा है डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ये आपको अगर याद हो तो हमने दो बार ये किया हुआ है, एक बार सुडो फोर्स के एप्लीकेशन में किया था जहां पे इंक्लाइन प्लेन पे एक ट्रॉली को छोड़ दिया था, उसके ट्रॉली के सरफेस से एक बॉब लटका हुआ था, उसमें स्ट्रिंग का ओरिएंटेशन निकालना था, और फिर दोबारा इस कंसेप्ट को यूज किया था लिक्विड फ्लुइड्स में यूज किया था, जिसमें एक ट्रॉली में लिक्विड भरा हुआ था और उस फ्री सरफेस का इंक्लिनेशन निकालना था, दो बार यूज किया था, इसलिए अगर याद नहीं है तो वहां पे जाके रेफर करके देख लेना। सो यहाँ पे जी कॉस थीटा आएगा। फिर पांचवा एक केस हो सकता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को ही मान लो लिक्विड के अंदर डुबा के रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डुबा के रखोगे और उसको ऑसिलेट कराओगे तो अपथ्रस्ट भी तो लगेगा ना उसमें, है ना? हां सर। mg minus upthrust को हम g effective कहते थे, याद है आपको? Right? याद है? mg minus upthrust is equal to m into g effective, याद है? हाँ सर। हाँ सर। कितनी हो जाएगी? mg minus upthrust
डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा, और इसको आप डेंसिटी के टर्म्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ रो एल बाय रो एस एंड इनटू जी हो जाएगा, एंड दिस विल बी इफ बॉब इज सस्पेंडेड इनसाइड अ लिक्विड, सस्पेंडेड इनसाइड अ लिक्विड. क्लियर है सभी को? हाँ सर. यस सर. ठीक है. और एक और लिमिटेशन आपको बताया तीसरा. यस सर. ठीक है बेटा, एक और लिमिटेशन जो आपको बताई, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल शुड बी वेरी लेस कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ. अगर वो कंपेरेबल हुआ, इफ एल इज कंपेरेबल टू अर्थ रेडियस, कंपेरेबल टू अर्थ रेडियस, देन जो आपका टाइम पीरियड यूज करेंगे वो आप ये यूज करेंगे, टू पाई रूट अंडर जी बाई एल प्लस जी बाई आर. इसको मैं डिराइव कर देता हूँ, बट आप इसको रिजल्ट की तरह याद रखेंगे. ठीक है, आपको डिराइव करने में टाइम वेस्ट नहीं करनी है, आपको ये रिजल्ट को याद रखना है. मैं करता हूं, देखो. अर्थ की रेडियस को आर मान रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को एल मान रहे हैं. ठीक है, फिर से सेम मेथड, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे. तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, ऐसा आ गया यहाँ पे. तो जो ग्रेविटेशनल पुल लगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगी. यही देखो डिफरेंस क्रिएट हो गया. आपको समझ आ रहा है ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है? नहीं, पिछली बार बोल रहे थे वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, बट इस बार वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं बोल रहे, इस बार बोल रहे टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर एक्ट करेगा. ये देखो, दिस इज एम डी नाउ. नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल देखो, ये वाला एंगल क्या इसको थीटा बोल सकते हो क्या आप? सोचो तो, कैन दिस एंगल बी कॉल्ड एज थीटा? कैन, मैं पूछ रहा हूं. नहीं, नहीं बोल सकेंगे इस बार. नाउ दिस एंगल वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन दिस एंगल एज वेल. देखो ये एंगल को अगर मान लेते हैं अल्फा है, तो क्या इसको थीटा प्लस अल्फा लिखा जा सकता है? हाँ सर. तो mg का जो कंपोनेंट इस बार इधर आ रहा है, ये mg sin थीटा नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है? mg sin थीटा प्लस अल्फा आ रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर. यस सर. ठीक है, ये डिस्टेंस को हमने x चूज किया था, तो अभी भी x ही चूज कर लेते हैं. तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू को आप क्या लिखोगे? देखो तो mg sin थीटा प्लस अल्फा, and since theta छोटा है तो इसको approximate कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं mg into theta plus alpha. theta की value को अगर x के terms में लिखे तो x by n, और alpha की value को अगर x के terms में लिखा जाए तो x by r हो जाएगा. correct है क्या? check करो. yes sir. yes sir. तो अगर आप एक चीज notice करोगे तो acceleration की value आ गई है g by l plus g by r and into x. देखो ये वाला term देखो आपका omega square हो गया, दिख रही है आपको? Yes, sir. Got it. तो ये चीज का ध्यान रखना कि अगर length of pendulum comparable to earth radius है, तो time period आपको 2 pi root under l by g नहीं लिखनी है, 2 pi root under 1 by g by l plus g by r use करना है. Got it. आप derivation भूल जाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, result को याद रखिएगा. Clear है? Yes, sir. अगर yes, sir. अगर मान लो length बहुत ही छोटी है, लेंथ बहुत छोटी है अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, तो लेंथ बहुत छोटा होने का मतलब है 1 बाय बहुत छोटा क्वांटिटी बहुत बड़ा हो जाएगा. यस सर. राइट, है ना? हां सर. एंड फिर इनवर्स लोगे, फिर से इनवर्स लोगे. देखो जो टाइम पीरियड का लेंथ के साथ वेरिएशन है, मैं लेंथ को बेसिकली छोटे वैल्यू से स्टार्ट करके बड़े वैल्यू पे जाना चाह रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि टाइम पीरियड कैसे चेंज करेगा.
तो लेंथ की वैल्यू अगर छोटे से बड़े पे जाएं तो लेंथ इंक्रीज करेंगे, तो इनवर्स ऑफ लेंथ किया तो वैल्यू घट जाएगा, लेंथ बढ़ाने से इनवर्स ऑफ एल घटेगा, एंड फिर एक बार और इनवर्स लेना है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। इस रिजल्ट से हमें देख के ये पता चल रहा है, इस रिजल्ट से, ठीक है, इस रिजल्ट से हमें देख के ये पता चल रहा है विथ इंक्रीज इन लेंथ टाइम पीरियड भी आपकी इंक्रीज करती चली जाएगी, समझ आएगी? हाँ सर। ठीक है, अब लेंथ की वैल्यू को अगर अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया जाए, बहुत ज्यादा बड़ा मतलब अर्थ के रेडियस से भी इनफाइनेटली लार्ज हो जाए, तो फिर उस केस में 1/L जीरो हो जाएगा, होगा या नहीं? लेंथ लेंथ इनफाइनेटली लार्ज कर दिया तो 1/∞ विल बिकम जीरो, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, देखो तो 2π√r/g दिख रहा है आपको, दिख रहा है? यस सर, यस सर। आपको इसकी वैल्यू याद है, न्यूमेरिकल वैल्यू याद है, याद है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू? नहीं याद है? 84 मिनट्स? अरे 84 मिनट्स बोलने से भी याद नहीं आ रहा है? हाँ सर, 84 मिनट्स। ग्रेविटेशन में तो क्या था? हाँ सर। ठीक है, तो वो इसका मतलब है कोई अगर आपसे ये पूछे कि सिंपल पेंडुलम का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है तो क्या बोलेंगे? 84 मिनट्स। और वो कब है? जब लेंथ ऑफ पेंडुलम अर्थ के रेडियस के बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बेसिकली, पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का भी आंसर तो हो सकता है, ये कांसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? हाँ सर। टाइम पीरियड की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2π√r/g आएगी, विच इज 84 मिनट्स फॉर पेंडुलम ऑफ एल टेंडिंग टू इनफिनिट। ये तो आपको मिल गया। एक चीज बस नोट की तरह ध्यान रखिएगा, जस्ट इंफॉर्मेशन है, अगर कहीं पे भी आपको पेंडुलम के बारे में बोल रखा है सेकंड्स पेंडुलम है, तो सेकंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है। सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकंड नहीं होता है, 2 सेकंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि सेकंड्स पेंडुलम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो क्लॉक एक एंड से, क्लॉक में जो पेंडुलम बॉब यूज होते हैं वो एक एंड से दूसरे एंड तक जब जाते हैं ना तो 1 सेकंड टिक करते हैं, तो एक एंड से दूसरे एंड पे जाना इज 1 सेकंड, और दूसरे एंड से वापस से प्रीवियस एंड पे आ जाना दैट इज 1 more second, तो टाइम पीरियड कितना हुआ, 2 सेकंड्स हुआ या नहीं हुआ? टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, ठीक है, ये टर्म ध्यान रखना, सेकेंड पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको? हाँ सर। पेंडुलम पे बेस करके एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये मान लो आपका थीटा नॉट बाई 2 है, और इधर पे मान लो आपको एक बॉब दे रखा है मास m का, लेंथ l का, और इधर से एंगल थीटा नॉट है, गिवन है थीटा नॉट आपका लेस देन 5 degree है। नाउ दे आस्क्ड अस द बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट,
list. Find time period of oscillation. Considering perfectly elastic collision. Perfectly elastic collision with rigid wall. Or dusra, impulse imparted by wall to ball, bob to bob in every collision. Look part is good. Interpret kare ek bar. अगर दूसरे एंड पे ये वॉल नहीं होता तो दूसरे एंड पे ये बॉब कितना दूर जाता? थीटा नॉट पे जाता ना? थीटा नॉट तक, हाँ सर। बट इसको थीटा नॉट पे हम जाने नहीं दे रहे, यही तो मतलब निकला ना? जैसे ही थीटा नॉट बाई टू वाले पोजीशन पे आएगा, उसको अचानक से डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करना पड़ेगा, है ना, विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। और विदाउट एनी चेंज इन स्पीड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन एवरी कोलिजन में ये इलास्टिक कोलिजन मान के चलिए आप, ठीक है, इन एवरी कोलिजन, और ये इलास्टिक मान के चलेंगे, ठीक है। तो अभी सिचुएशन ऐसा है, देखो सिचुएशन कैसा है, जैसे अगर आप इसको फेजर डायग्राम से कोरिलेट करने की कोशिश करोगे, देखो यहां पे वो वॉल लगा हुआ है, पार्टिकल को हमने ये एक्सट्रीम एंड से रिलीज किया, ठीक है, तो यहां से आएगा, मीन पोजीशन को भी क्रॉस करेगा बकायदा, फिर यहां पे भी आएगा, उसका जैसे ही यहां आएगा फिर अचानक से इधर चला जाएगा, बीच का पोर्शन नहीं होगा, है ना, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है ये नहीं होगा जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, समझ आ रही है आपको बात? यस सर। क्या सबको बात समझ आ रही है? हाँ सर। यस सर। तो बेसिकली कौन सा पार्ट बस मोशन का हो रहा है? राइट एक्सट्रीम से बीच का, लेफ्ट एक्सट्रीम का एकदम बीचों बीच, क्योंकि अगर थीटा नॉट बाई टू है तो पक्का है ये वाला डिस्टेंस जो है कितना है, एम्पलीट्यूड का आधा ही तो है ना, है ना, कहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना था, ये एम्पलीट्यूड कितना था, एल इंटू थीटा नॉट था, याद है आपको, राइट? हाँ सर। तो आधा एंगल मतलब आधा एम्पलीट्यूड भी हो गया, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। यस सर। तो जब हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो अगर मैं लेट से लेट कैपिटल टी को हम लोग लिखे हैं 2π√LYT, ठीक है, तो कैपिटल टी के यूनिट्स में अगर लिखे तो कितना लिखना चाहिए हमें, T/4 हुआ प्लस T/12 हुआ और इसी का दो गुना, कह सकते थे ना? हाँ ठीक है, ठीक है ना, समझ आइए आपको? T/4 मतलब एक्सट्रीम एंड से मीन पोजीशन आने का टाइम, ये T/4 हो गया, फिर मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाना वो कितना हो गया T/12, एंड वही वाला पार्ट फिर रिपीट करके वापस पीछे जाना है, तो आपका टाइम पीरियड मिल गया ना आपको, हुआ ही नहीं हुआ? हाँ सर। तो ये 12 3 + 1 4 4 T/12 × 2, तो ये देखो आ गया आपके पास 4 3, तो 2T/3 आ गई है, 2T/3 दिखा आपको, दिखा? हाँ सर। अगर आप डायरेक्टली फेज एंगल से करना चाहते थे तो वो भी कर सकते थे, तुम बस टोटल सर्कल के रेवोल्यूशन में बस वो वाले पार्ट को एक्सक्लूड कर दो जो इसने नहीं किया है, तुम देखो कौन सा पार्ट उसने नहीं किया, देखो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, बस यही तो कवर नहीं किया ना उसने, देखो ये वाला पार्ट देखो, दिख रहा आपको? हाँ सर। देखो ये वाला पार्ट उसने कवर अप नहीं किया है, और अगर ये कवर नहीं किया तो बस इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी कितना कवर करना है उसको, 240 डिग्री तो कवर करना है ना उसको, करना है नहीं करना उसको, तो 240 डिग्री का 240 डिग्री करना है उसको, तो 240 डिग्री मतलब कितना हो गया, 2/3 ऑफ कंप्लीट सर्कल, है ना, और 2/3 ऑफ का मतलब जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो 2/3 ऑफ
कंप्लीट टाइम होगा नहीं होगा? हाँ सर हो गया, तुम आराम से मिल गया हमें, क्लियर है? हाँ सर। ओके सेकंड पार्ट उसने ये पूछा है कि कितना इंपल्स इंपार्ट हो रहा है, तो इंपल्स इंपार्टेड निकालने के लिए बस चेंज इन मोमेंटम चाहिए मुझे, है ना, जो जे होगा वो चेंज इन मोमेंटम होगा, और अगर वी स्पीड से आया है तो ऑब्वियसली वी स्पीड से रिटर्न जाएगा, क्यों, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, इसका मतलब 2mv, यही तो होगा राइट? हाँ सर। अगर आपको रिजल्ट्स कुछ याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराया था, जो वेलोसिटी एट हाफ द मीन पोजीशन होती है वो √3/2 टाइम्स ऑफ ओमेगा ए हो जाता है, याद है आपको? याद है सर। बस इसको यूज कर लो, ये 2-2 तो कैंसिल आउट हो गया, सो दिस बिकम्स √3 टाइम्स ऑफ m into omega, omega is root under g by l, and amplitude which is l into theta naught, ye answer ho jayega, clear hai? Ha sir. Clear sir. Theek hai beta,